Wait. so this training is related with आप यहाँ पे कर सकते हो मेरे साथ कुछ भी आइडिया है विजय आपने सुना है सीसन एजय आपको मेरी आवाज आ रही है uh, yes, कुछ भी आपको आप पता है सी सनी के बारे में सेकंड हां टीसीएस सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटर नेटवर्क एसोसिएट ओके मुझे आप इस, आप वर्क करते हो ना नेटवर्क पे वर्क right. करते हो ना uh, हाँ सर वो कारण नेटवर्क पर करते ओके कारण आई वर्क इन सॉफ्टवेयर सर आई मसल एंड आई वर्किंग यस आई वर्किंग समवेयर लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन सो so, सीशन जो ट्रेनिंग है आपकी सी सन ट्रेनिंग आपकी आप कह सकते हो नेटवर्किंग में एक स्टार्टिंग ट्रेनिंग अच्छा पहले तो आप ये क्लियर करो uh, मैं सेशन को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आफ्टर दिस सेशन मैं अभी शेयर करूँगा आप लोगों को तो सेशन के बाद आज आप लोग तो अपनी ई मेल ग्रुप में शेयर करेंगे तो मैं आपको लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर ठीक है स्लाइड्स और नोट्स एंड जो वीडियो आज हमने डिस्कशन किया जो हम सेशन कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूँ ठीक है वेदांत वेदांत आपको मेरी आवाज आ रही है वेदांत आपको मेरी आवाज आ रही है यस। ओके ओके ओके। नो, सो सीसे ट्रेनिंग मैंने आपसे कहा कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है सी एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट पॉइंट ये कि uh, सीसेने क्यों क्योंकि मार्केट में नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाने के लिए बहुत सारे वेंडर्स हैं अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं कुछ का नाम आपने सुना हो जैसे अभी आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो आपकी रिलेटेड है सिस्को से बट मार्केट में और भी वेंडर्स हैं आपके पास जैसे आपके पास डेल सुना होगा आपने राइट right? आपने जूनिपर सुना है किसी ने या एलका टेल किसी ने सुना है जूनिपर है एलका है आई कांट हियर यू गाइस एक मिनट तो मार्केट में हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस सी सी के अंदर जो आप स्टडी करते हो ना वो आप स्टडी करते हो राउटर डिवाइस पे एंड स्विच डिवाइस पे दो डिवाइसेस पे आपको वर्क करना होता है राउटर एंड स्विच बट इन डिवाइसेस के लिए मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं अगर आप देखो तो सस्को है डेल है आपने जियोनीपर सुना हुआ है एल्का डेल सुना हुआ है फोर्टी नाइट एक वेंडर है जो फोर्टी स्विच बनाती है तो मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो नेटवर्किंग अप्लायंस बनाते हैं बट वाई को क्वेश्चन ये आता है वाई को क्योंकि अगर सेस्को पे आपको वर्क करना आता है तो आप बाकी किसी भी वेंडर पे काम कर सकते हो तो पहला पहला आंसर ये है कि सेस्को आपको एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर जो कोर्स कंटेंट होता है नेटवर्किंग के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको सेस्को प्रोवाइड करता है जिसे कहते हैं सी सन ट्रेनिंग ये आपका बेसिक ट्रेनिंग है जिसमें आप नेटवर्किंग रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हो आप डॉक्टर्स पे काम करते हो आप पे काम करते हो आप नेटवर्क डिजाइन करते हो कॉन्फ़िगरेशन करते हो बेसिक ट्रबल शूटिंग और प्लानिंग तो सिस्को ने सबसे पहले कोर्स करिकुलम बनाया जिसका नाम उसने क्या रखा सीसेन सिस्को ने और ये प्रॉपर कोर्स कंटेंट है दूसरा सिस्को का जो मार्केट शेयर है वर्ल्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप नेटवर्किंग डिवाइस की बात करूँ तो 70 परसेंट मार्केट आपको सिस्को का मिलेगा सिस्को के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे अभी आप सिस्को राउटर और स्विच पे काम कर रहे हो आगे जा आगे जाके आप सिस्को फायरवॉल यानी सिस्को एएसए पे आप वर्क कर सकते हो या आप सिस्को फायरपावर पावर थ्रेड डिफेंस या सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन पावर डिवाइस है सिस्को के और भी डिवाइसेस आते हैं आईस आता है डब्ल्यू डिवाइस आता है ई डिवाइस आता है तो सिस्को बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है सिस्को बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है वेट uh, जैद आप एक बार डिस्कनेक्ट करो और कनेक्ट करो विथ ऑडियो प्लीज़ वेट। जैद आप डिस्कनेक्ट करो और कनेक्ट करो विथ ऑडियो जैद आप एक बार डिस्कनेक्ट जैद आपको मेरी आवाज आ रही है जाहिद आपको मेरी आवाज आ रही है यस यस आई कैन ना ओके 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 तो so, मैंने कहा जो सिस्को का मार्केट शेयर है वर्ल्ड में वो है आपका बाकी बाकी आपके आपके में बाकी जो वेंडर्स हैं वो आते हैं बाकी डेल मतलब क्या, क्या हो गया ज्यूनिपर हो गया एलका डेल हो गया फोर्टी एट हो गया सो मल्टीपल वेंडर्स हैं फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस बट सेवेंटी मार्केट आपको मिलेगा किसका सिस्को डेट्स सिस्को पॉपुलर तो पहला था कि सिस्को वाई सिसको क्वेश्चन था तो पहला आंसर ये है कि सिस्को आपको एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम देता है ठीक है तो आप स्टेप बाय स्टेप जितने भी नेटवर्किंग uh, के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं वो आप डिस्कशन कर लेते हो यहाँ पे ठीक है और मार्केट शेयर सिसको का जाता है तो आप जहाँ भी वर्क करने जाओगे नेटवर्किंग से रिलेटेड बेसिक अगर स्टार्ट कर रहे हो आप तो आपको सिस्को डिवाइसेस मिलेंगी और जो कॉन्सेप्ट आप डिवाइसेस पे इंप्लीमेंट कर रहे हो वो सारे कॉन्सेप्ट आप जीन पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो अदर वेंडर पे इंप्लीमेंट करते हो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने का जो स्टेप होता है कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका होता है बस वो डिफरेंट होता है ओके okay? तो हम बात करने तो जा रहे हैं क्या सी जो ट्रेनिंग है हमारी सेसको सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट आप इसे कहते हो ये कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी जो टाइम लेगी वो फोर्टी टू फोर्टी फाइव आवर्स जाहिद आप आ, माइक म्यूट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा ठीक है ओके ओके सॉरी नाउ सो मैंने कहा कि जो कंप्लीट ट्रेनिंग है वो टू आवर ले सकती है और मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने साइड से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रॉपर स्लाइड्स एंड नोट्स तो हर एक टॉपिक जो आप डिस्कशन करोगे इस ट्रेनिंग में उन सारे टॉपिक्स का नोट्स प्रॉपर बना हुआ है चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग यहाँ से कर रहे हो सबका प्रॉपर नोट्स बना हुआ है वो आपको शेयर होगा आज ही मैं शेयर करूंगा सेशन के बाद देन आपको लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए आपको टोपोलॉजीज क्रिएट करनी होती है राउटर और स्विच की टोपोलॉजी क्रिएट करनी होती है उस पर लैब कैसे परफॉर्म करना है टोपोलॉजी क्रिएट कैसे करनी है वो हम बात करेंगे सो लैब सेटअप नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि जो भी सेशंस अभी होगा सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ और वो आपको आफ्टर सेशन शेयर हो जाएगी या तो सेम डे में मिल जाएगी या नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी ओके okay, तो मैंने कहा कंप्लीट ट्रेनिंग आपका आवर्स ले लेता है तो हम बात करने जा रहे हैं आज टॉपिक डिस्कशन करण आपको मेरी आवाज आ रही है संतोष विजय जाहिद यस सर ओके रंजन सो so हम, yes, हम बात कर लेते हैं टॉपिक हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के लिए क्या क्या टॉपिक आपके पास है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वो होता है इंटरनेटवर्किंग डिवाइस इंटरनेटवर्किंग डिवाइस इंटरनेटवर्किंग डिवाइस तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो बेसिक आइडिया हर एक डिवाइस के बारे में फॉर एग्जाम्पल हब डिवाइस क्या होती है हालांकि हम हब यूज नहीं करते बट ये आइडिया हमें पता होना चाहिए कि हब वर्क कैसे करता है क्योंकि अगर आप आपको अगर हब का आइडिया होगा तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो इस डिवाइस को स्विच के साथ क्योंकि तो मार्केट में हम क्या यूज करते हैं स्विच तो आपको आइडिया होना चाहिए स्विच वर्क कैसे करता है लेयर टू स्विच क्या होता है लेयर थ्री स्विच क्या होता है और स्विच पैकेट अगर रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा ट्राफिक अगर रिसीव करेगा तो फॉरवर्ड कैसे करता है तो पहले हम हब के बारे में डिस्कशन करेंगे फिर हम स्विच के बारे में डिस्कशन करेंगे उसके बाद आता है राउटर डिवाइस तो ये आप क्लियर रखो कि लैंड कनेक्टिविटी के लिए हम स्विच यूज करते हैं बट आपको वैन कनेक्टिविटी करनी हो यानी अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करना हो तो मैंने आप एक वर्ड बोला है क्या? Different network. Different network क्या है क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क नेटवर्क होता आपको आगे क्लियर होगा डिफरेंट नेटवर्क क्या होता है बट अभी आप ये क्लियर रखो कि डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपको कनेक्ट करना हो कनेक्टिविटी आपको बनानी हो सो यू नीड राउटर डिवाइस तो राउटर कैसे काम करता है हम बात करेंगे राउटर फिक्स राउटर क्या होते हैं मॉडुलर राउटर कौन से होते हैं और अगर मैं नेटवर्क में काम कर रहा हूँ तो कौन सा राउटर सुटेबल होगा मेरी नेटवर्क के लिए क्योंकि मैं एक स्मॉल नेटवर्क में काम करता हूँ या मैं एक बड़े नेटवर्क में काम कर रहा हूँ तो कौन सा राउटर का सीरीज मेरे लिए बेटर होगा ये हम बात करेंगे देन आपके पास डिवाइस होगा नेक्स्ट फायरवॉल तो सी से लेके अंदर फायरवॉल का आप इंट्रोडक्शन डिस्कशन करते कि हो कि फायरवॉल डिवाइस होती क्या है बट आप ये क्लियर रखो कि फायरवॉल जो है जो डिवाइस है उसके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग होती है अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो यानी सीसने के बाद अगर आप सिस्को में आगे सिस्को के ही वेंडर डिवाइसेस के साथ आप काम करना चाहते हो तो सिस्को के अंदर जो फायरवॉल आते हैं उसे आप कहते हो सिस्को एस ए आपका सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है बट अब मार्केट में यूज होता है सिस्को एफ टी डी जिसको आप बोलते हो फायर पावर थ्रेट डिफेंस और ये आपका सिस्को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है तो अगर आप सस्को में वर्क करना चाहते हो तो सिस्को के ये डिवाइसेस हैं बट मार्केट में मैंने आपसे कहा जैसे राउटर और स्विच है जैसे राउटर और स्विच है आपका इसके लिए मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं वैसे ही फारवल्स के लिए मार्केट में टॉप वेंडर्स हैं ठीक है जैसे पोलो वल्टो आता है फोर्टी है चेक पॉइंट है और सिस्को भी है तो यहाँ पर लेकिन हम बात क्या करेंगे फारवर्ड डिवाइस होता क्या है और यहाँ पर ट्राफिक कैसे ट्रैवल करती है आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर होना चाहिए क्लियर है। सर। तो ओनली दिस टॉपिक विल टेक मिनिमम सिर्फ अगर इस टॉपिक पे बात करो तो ये टॉपिक आपका मिनिमम थ्री टू फोर आवर ले सकता है आफ्टर इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस हमें बात करना चाहिए आईपी एड्रेस के बारे में आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है अब आपको लग रहा होगा अगर आपने कभी आईपी देखा होगा मैं आपको दिखाता हूं अगर आप लैपटॉप पे जैसे मैं विंडो इलेवन यूज कर रहा हूँ आप यहां पे आई पी कमांड टाइप करते हो तो ये एक आई है अब ये आई मेरे लैपटॉप को क्यों मिली हुई है और ये वन से स्टार्ट क्यों है तो ये आईपी आप बड़े आराम से यहाँ देख ले रहे हो लेकिन जब आप आईपी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने बैठोगे ना पूरी आईपी कॉन्सेप्ट को तो आपको कम से कम मिनिमम फोर टू फाइव आवर देना होगा सिर्फ आई पी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए यानी यहाँ पे हम आई पी की कंप्लीट स्टोरी बात करने वाले आई पी क्या होता है कितने बिट का होता है कितने फॉर्मेट का होता है और टोटल आई पी कितनी है अगर आप आई पी को ध्यान से देखो तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं फर्स्ट आता है आई पी वी फोर कॉन्सेप्ट एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास है आई पी वर्चअल सिक्स तो पहले आपको जो डिस्कशन करना है वो आईपी वर्जन फोर पे करना है और आईपी वर्जन फोर पे आप बात करोगे यहाँ पे सबनेटिंग का सबनेटिंग इम्पोर्टेंट है और हर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सबनेटिंग करता है सबनेटिंग क्या होती है आप एक सिंगल सबनेट को एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सबनेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो और इसकी रिक्वायरमेंट हर एक नेटवर्क एडमिन को होती है अब सबमिटिंग क्या होती है हम बात करेंगे बट आप ये क्लियर रखो सबमिटिंग के अंदर आपको दो टॉपिक डिस्कशन करने हैं दो टॉपिक पहला क्या है एफ एल एस एम मास्क और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है वी एल एस एम सबमिट मास्क तो अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन को लेके चलूँ सिर्फ इतना इस सेक्शन को लेके चलूँ अगर मैं तो आपको देना होगा मिनिमम फोर टू फाइव आवर सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए उसके बाद हम मूव करेंगे आईपी वर्जन सिक्स तो देखो अगर हमें आईपी वर्जन फोर का आइडिया है तो नेक्स्ट जनरेशन आईपी हम किसे कहते हैं आईपी वर्जन फोर को सॉरी आईपी वर्जन सिक्स को तो अगर हमें आईपी वर्जन फोर का आइडिया है तो आईपी वर्जन सिक्स पे भी हमें बात करनी है और आईपी वर्जन सिक्स में हम बात करेंगे कि आई का फॉर्मेट कैसा होता है कितने बिट का होता है किस फॉर्मेट में होता है कितने आई पीडर्स हैं आई वर्जन सिक्स के अंदर और अगर मुझे आई पी सिक्स एड्रेस किसी भी डिवाइस पे कॉन्फिगर करना है जैसे सी सेनी के अंदर हम किस पे काम करने वाले हैं राउटर और स्विच पे तो राउटर और स्विच पे मुझे अगर आईपी वर्जन 6 की आईपी कॉन्फिगर करनी हो तो और कॉन्फिगरेशन करने का मेथड कौन सा है यहाँ पे हम स्टेटलेस कॉन्फिगरेशन करते हैं स्टेटफुल कॉन्फिगरेशन करते हैं तो यहां पे हम बात करेंगे आईपी वर्जन 6 तो पूरा का पूरा टॉपिक है आपके लिए आईपी आईपी एड्रेस का तो ये इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद हमें इतना तो आइडिया हो जाएगा कि आईपी की स्टोरी क्या है पूरी उसके बाद आप मूव करते हो क्या नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है आपका ओ मॉडल अब ओ मॉडल आपका क्या है ओ मॉडल आप ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हो अगर मुझे नेटवर्क ट्रबल शूट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस लेवल की है ओ मॉडल में हम डिस्कशन करते हैं लेयर्स ट्रैफिक जो है आपके ट्रेवल करती है लेयर्स पे ओपन सोर्स इंटरनेट नहीं इसे कहते हैं ओएसआई मॉडल अच्छा ये आप इसका फुल फॉर्म बता रहे हो थे ओपन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं इसको ओपन सोर्स इंटरनेट नहीं होता शायद ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बताओ ठीक है सो so, मैंने कहा ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल कब बना था और इसे यूज क्यों करते हैं और कितने लेयर्स होते हैं हर लेयर का टास्क क्या होता है तो यहाँ पे आप बात करो कि एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर तो हर एक लेयर का टास्क क्या होता है अगर एक पैकेट नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा है तो वो पैकेट आपका ओएसआई मॉडल फॉलो करता है तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है प्रेजेंटेशन पे क्या होता है सेशन पे क्या होता है ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है नेटवर्क लेयर पे क्या होता है डेटा लिख पे क्या होता है फिजिकल ये हम बात करेंगे ओ एस आई मॉडल तो ये आपका एक्चुअल में थ्योरेटिकल पोर्शन है बट जब आप नेटवर्क को ट्रबल शूट करते हो तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है ओ एस आई मॉडल के बाद हम बात करेंगे टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल स्वीट तो इसके बाद हमें डिस्कशन करना है प्रोटोकॉल्स के बारे में टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल स्वीट प्रोटोकॉल स्वीट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको सारे प्रोटोकॉल डिस्कशन करने हैं जैसे एच टी टी पी एस टी टी पी एस क्या होता है डीएससी पी क्या होता है डीएससी पी डीएनएस प्रोटोकॉल क्या होता है आई पी प्रोटोकॉल क्या होता है टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है तो यहाँ पे आप डॉट मॉडल या आप इसे कहते हो टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल स्वीट्स यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन करना है करंट क्लियर है संतोष विजय जाहिद रंजन

तो जब एक नेटवर्क को आप मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करते हो तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और कम्युनिकेशन अगर आपको कराना होगा तो आपको राउटिंग करनी होती है और राउटिंग का फीचर आप यूज करते हो राउटर डिवाइस तो यहाँ पे राउटिंग हमें डिस्कशन करना है यानी राउटर पे हमें काम करना है डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कैसे कराए लैंड नेटवर्क है मेरे पास वैन साइड में ट्राफिक भेजना यस जो है राउटिंगशन uh, तो तो yes, exactly, yes, yes. कराने के लिए हम राउटिंग करते हैं आपको राउटिंग करनी है तो राउटिंग करने के लिए आपके पास मेथड है आप जा सकते हो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फिगरेशन ऑप्शन पे यानी मैं सारे डेस्टिनेशन की एंट्री स्टैटिकली या मैनुअली करना चाहता हूँ तो आप स्टैटिक राउटिंग पे जा सकते हो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है डिफॉल्ट राउट डिफॉल्ट राउटिंग सो आईएसपी के साइड में हम हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं टुवर्ड्स आईएसपी आप हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हो क्यों यूज करते हो मैं आपको बताऊंगा अभी तो मैं आपको बेसिक आइड दे रहा हूं बट मैं आपको बताऊंगा क्यों यूज करते नाउ स्टैटिक और डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हो अदरवाइज आपके पास एडवांस राउटिंग का ऑप्शन है जिसे आप कहते हो डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट डायनेमिक राउटिंग डायनेमिक राउटिंग में आपको प्रोटोकॉल स्टडी करना है वो है आपका रिप देन आपका प्रोटोकॉल है ई आई जी आर पी देन आपका पॉपुलर प्रोटोकॉल है ओ एस पी एफ अगर आप नेटवर्क में कहीं भी देखोगे तो आपको ये प्रोटोकॉल ही मिलेगा क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आप किसी भी नेटवर्क में जाओगे अगर वहाँ पे पचास डिवाइसेस लगे हुए हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिस्को के डिवाइसेज हों एवरी हो सकता है वहाँ पे ट्वेंटी सिस्को के डिवाइसेस हैं दस ज्यूनिपर के डिवाइसेस हैं आपके ट्वेंटी एल्का के राउटर्स हैं राइट right? तो अगर आप सिस्को डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हो तो आप सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसको आप ए आई जी आर पी कहते हो इसको यूज कर सकते बट नेटवर्क के अंदर सारे सिस्को डिवाइस तो हो नहीं सकते अदर वेंडर भी होंगे क्योंकि मैं सिस्को के राउटर्स क्या होते हैं थोड़े से कॉस्ट में आपके पास ज़्यादा होते हैं कॉस्ट ज़्यादा होता है सिस्को राउटर्स का तो मैं सारे पूरे नेटवर्क में सिस्को के डिवाइस तो यूज करना नहीं चाहूंगा मैं अदर वेंडर भी यूज करना चाहूंगा तो वहां पे आप यूज करते हो ओएसपी क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है रिप क्या है आपका ओपन स्टैंडर्ड तो डायनेमिक राउटिंग का ऑप्शन क्या है कि मैं हर एक डेस्टिनेशन की एंट्री स्टैटिकली नहीं करना चाहता मैं चाहता हूं कि मैं प्रोटोकॉल एक्जीक्यूट करूं इनको आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हो मैं चाहता हूं मैं प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करूं रन करूं राउटर्स पे और ये और ये ऑटोमेटिकली रूट्स फाइंड कर लें ये ऑटोमेटिकली रूट फाइंड कर लें तो ये टास्क आप करते हो राउटिंग के साथ तो ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट आईपी राउटिंग ये पूरा अगर आप कंप्लीट टॉपिक अगर आप फिनिश करने की कोशिश करोगे तो आपको मिनिमम देना होगा एट टू टेन आवर दस घंटे आपको देने हैं सिर्फ राउटिंग को समझने के लिए अगर आपको राउटिंग क्लियर हो गई इसका मतलब आपको कनेक्टिविटी बनाना आता है आपके पास कुछ राउटर्स आपको मिल गए मैंने आपको पाँच राउटर दिया या आपको फाइव राउटर्स नेटवर्क मिल गया और किसी ने कहा कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी बना लो डेफिनेटली आप कर सकते हो तो राउटिंग कॉन्सेप्ट के बाद मान लो आपने राउटिंग कहीं कन्फिगर कर लिया तो राउटिंग के बाद नेक्स्ट टास्क क्या आता है नेक्स्ट टास्क आता है कि यहाँ पे पैकेट को फिल्टर करना है क्योंकि तो सारे आपस में कम्युनिकेशन करना है तो मुझे पैकेट फिल्टर करता है मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रैफिक जो है या कोई स्पेसिफिक आई किसी स्पेसिफिक आई से कम्युनिकेशन ना करे या कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक सबनेट है नेटवर्क है वो स्पेसिफिक सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता या पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल यूज नहीं कर सकता तो राउटिंग से आप नेटवर्क तो बना लोगे लेकिन फिल्टरिंग भी आपको करना होगा और पैकेट फिल्टरिंग के लिए आपके पास टॉपिक क्या होता है एसियन इसे कहते हैं लेयर थ्री सिक्योरिटी जाहिद विजय संतोष करण रंजन क्लियर है मेरी बात यस सर पैकेट को फिल्टर करने के लिए एवरीवन वन ए सी एल कॉन्फिगेशन करना रिक्वायर्ड है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप इसे कहते हैं और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसी टॉपिक को आप किसी भी राउटर पे या अगर आप कभी फाइवल पे काम करोगे तो वहां पे भी कॉन्फिगर करते हैं बस वहां पे नाम जो है जो नेम आपका है वो डिफरेंट होता है जैसे आप राउटर आप पे क्या बोल रहे हो ए सी एल यही कॉन्सेप्ट आप किसी फावल सिस्को ए एस एफावल पे आप कन्फिगर कर लो सिस्को पे आप अगेन इसे ए सी एल ही बोलते हो तो ये टॉपिक अगर आपको आता है तो आपको ए एस ए में हेल्प मिलेगी मैं आपको ये बता रहा हूँ इस टॉपिक को अगर आपने प्रॉपर किया तो ए एस ए जब आप करने जाओगे कभी तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सी से पता है सेम टॉपिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन आप बाकी हिफावल पे करते हो जैसे पॉल ऑल्टो पे आप करोगे तो आप उसे बोलते हो सिक्योरिटी पॉलिसी पे आप इसे बोलते हो पॉलिसी चेक पॉइंट पे पे आप आप इसे बोलते बोलते हो policy, threat, बोलते हो एक्सेस एक्सेस पॉलिसी सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस कंट्रोल पॉलिसी तो ये सारे ऑप्शन सेम है कॉन्फिगेशन करने का तरीका लोग तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि इस यहां से आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना आ जाएगा और ट्रैफिक को आप फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन एल थ्री इन्फॉर्मेशन एंड एल फोर तो फिलहाल मतलब मतलब सर्विस या प्रोटोकॉल सर्विस या प्रोटोकॉल तो आप आई पी और सर्विस प्रोटोकॉल के यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हो मान लो आपने बोला कि ये एक स्पेसिफिक आई पी ये आपकी इस पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कई सर्वर लगा हुआ है यहाँ पे आप चाहते हो यहाँ पे आपने एक राउटर लगा दिया है ये लैंड के साइड में आपने एक स्विच लगा दिया लैंड को लैंड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये राउटर है आपका राउटर आपका इधर स्विच से कनेक्टेड है इधर आपने दो सर्वर लगा के रख दिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेब सर्वर है ये आपका एफ सर्वर है तो आप चाहते हो ये जो मशीन है मशीन आएगा और कम्युनिकेशन करेगा इस सर्वर के साथ बट एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल यूज करेगा और चुपचाप चला जाएगा बाकी किसी से ये मशीन ये बाकी किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता तो ये आप एसीएल से करते हो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पैकेट फिल्टरिंग फागुल से कहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना कोई पैकेट फिल्टरिंग फागुल बोल रहा है तो इसका मतलब वो एसीएल की ही बात कर रहा है क्लियर है मेरी बात एवरीवन सब लाइक ऐसे मैनेजमेंट को वर्कर का सब कुछ मालूम होता है लेकिन अकाउंटेंट उसमें इन नहीं हो हो सकता आप राउटर पे कर सकते यस है, है, exactly. ये ये वो मशीन जा भी रहा है तो सिर्फ पर्टिकुलर आई से ही बात करेगा पर्टिकुलर पर्सन से बात करेगा और चुपचाप चलाएगा ये टास्क आप परफॉर्म करते हो इन एसियल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अब आप यहाँ पे यहां पे ये क्लियर करो दो टाइप के एसी हम लोग को डिस्कशन करने हैं दो टाइप के एस पहला क्या होता है और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है नेम्ड एसील अब आप नंबर्ड ए स्टडी करो या नेम एसील स्टडी करो दोनों के अंदर दो एसियल आपको स्टडी करने होते हैं पहला होता है स्टैंडर्ड ए और दूसरा होता है एक्सटेंडेड एसीएल तो नंबर्ड क्या होता है नेम्ड क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है और स्टैंडर्ड एसीएल क्या होता है और एक्सटेंडेड एसीएल क्या होता है हम बात करेंगे यानी इसका मतलब ये जो टॉपिक है आपकी ये मिनिमम टू आवर ले सकती है करंट क्लियर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्विचिंग नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्विचिंग तो जैसे राउटिंग टॉपिक ने पूरा टू टेन आवर लिया था वैसा ही जो स्विचिंग कॉन्सेप्ट स्विचिंग का मतलब होता है लैंड में काम करना लैंड नेटवर्क में काम करना अब लैंड नेटवर्क में आप बहुत सारे टॉपिक स्टडी करते हो लैंड नेटवर्क के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैंने कहा जैसे राउटिंग में आपने एट टू टेन आवर दिया यहां भी आपको एट टू 10 आवर ही देने हैं दस घंटे मिनिमम तो पहला टॉपिक आपको स्टडी करना होता है VLAN क्या होता है वर्चुअल LAN कांसेप्ट क्या होता है नेक्स्ट आप बात करोगे क्या ट्रंकिंग ट्रंकिंग कांसेप्ट क्या होती है तो पहले आपको VLAN समझना होगा उसके बाद आप आपको समझना होगा ट्रंकिंग देन टॉपिक हम स्टडी करते हैं VTP VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल देखो मैं सिर्फ जो टॉपिक का नाम बता रहा हूँ इसका मतलब हर एक टॉपिक के अंदर भी टॉपिक है संतोष विजय रंजन yes मैं सिर्फ yes, आपको yes. मैं आपको मेन टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ जब आप टॉपिक स्टडी करने बैठोगे hmm. पॉइंट ये है कि जैसे अगर आप व्हीलैन स्टडी करने बैठो ये तो टॉपिक अपने आप में थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट ले लेगा तो हर टॉपिक के अंदर टॉपिक है तो मैंने कहा ट्रंकिंग देन आपको बात करना है इंटर वील राउटिंग इंटर इंटरवील राउटिंग और इंटर इंटरवील राउटिंग हमें डिस्कशन करना है लेयर टू स्विच और लेयर थ्री स्विच तो ये क्लियर रखना है मार्केट में हमारे पास लेयर टू स्विच भी होते हैं और लेयर थ्री स्विच भी होते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बात करूंगा बट आप ये क्लियर रखो इंटरविलियन राउटिंग जो आपको स्टडी करनी है इंटरविलियन राउटिंग जो आपको स्टडी करनी है वो आपको स्टडी करनी है लेयर टू स्विच पे और लेयर थ्री स्विच पे उसके बाद आता है पूरी स्विचिंग का सबसे स्ट्रांग टॉपिक और आप सी के बेस पे कहीं भी इंट्रो दोगे तो एस का क्वेश्चन आपको ही मिलेगा एस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक Tree इसे कहते हैं और एस टी पी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ मिनिमम फोर आवर ले सकता है मिनिमम सिर्फ एस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एस के अंदर आप पी वी एस टी पी आर एस टी पी इथर चैनल कॉन्सेप्टिज बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप एस टी पी के अंदर बात करते हो उसे कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो मैंने कहा स्विचिंग जब आप लैंड में काम करने बैठते हो एक स्विच को लेकर काम करने बैठते हो या मल्टीपल स्विचेस के साथ काम करने बैठ रहे हो तो आपको आठ से दस घंटे देने हैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए क्लियर है मेरी बात रंजन करण संतोष विजय जाहिद यस 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 नाउ स्विचिंग कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे क्या स्विचिंग कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे एफएचआरपी एफएचआरपी क्या होता है एफएचआरपी एफएचआरपी का सिनारियो क्या है जैसे मान लो आपने एक राउटर लगा दिया ठीक है ये आपने एक राउटर लगा दिया और इस राउटर पे आपने सब कुछ कॉन्फिगर किया था इस राउटर को आपने लैन स्विच से कनेक्ट किया लैंड के साइड में आपके पास कुछ कंप्यूटर्स आपने लगा दिए ये पोर्शन आपका आईएसपी एस पोर्शन है तो इस टोपोलॉजी के अंदर आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है ये जो इंटरफेस है इसका तो डिवाइसेस पे इंटरफेसेस होते हैं ठीक है मैं बात करूंगा इंटरफेसेस को मैंने कहा डिवाइसेस पे इंटरफेसेस होते हैं कनेक्टिविटी के लिए जैसे फास्ट इथेनेट जीरो स्लैश जीरो है फास्ट इथनेट जीरो स्लैश वन ये नंबर है ठीक है कंफ्यूज नहीं होना अभी ये आपका इंटरफेस का नंबर होता है ठीक है सर लाइक अ गेट ये गेट होते जहां से इन होते हैं हाँ इन इन और आउट यस इन और आउट तो यहाँ पे क्या है आपने मेरा पॉइंट ये है एवरीवन कि इस टोपोलॉजी के अंदर आपने एक राउटर लगाया है एक स्विच लगाया है और आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया ठीक है स्विच पे स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया आप कह सकते हो कि ट्रैफ़िक आपकी जा रही है ट्रेवल कर रही है आईएसपी के साइड में अब मान लो आप इस टोपोली के अंदर आपके पास एक ही राउटर मान लो ये राउटर डाउन हो गया तो अगर ये राउटर डाउन हो गया तो आप क्या करोगे प्रोडक्शन नेटवर्क से एक नया राउटर, राउटर लेके आओगे जो कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर पे चल रही थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ कहाँ पे करोगे और फिर आप इसको यहाँ से हटा के और उस राउटर को फिर आप डिप्लॉय करोगे राइट right यस yes. या तो ये टास्क आप कर लो या दूसरा टास्क ये है, लेकिन ये मैनुअल टास्क है जरा सोचो आप राउटर आपका डाउन होगा और फिर आप जो कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है उसे रिस्टोर करोगे या कॉन्फ़िगरेशन पूरी करोगे टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो, तो आपने क्या किया यहाँ हाँ यस यस कोई क्वेश्चन विजय था ना। सर ये टाइम, टाइम टेकिंग है प्रोसेस यस है तो हमने, यहाँ क्या हमने यहाँ पे क्या पर... किया हमने यहाँ पे कह रहे हैं जिससे बारवा खिलाड़ी होता है ना रिजर्व में रखते हैं उसको हाँ आपने कहा एक राउटर आपके पास है ठीक है आपने आपने उस, उसको आप उसको लेके आए और आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दी और फिर आपने डिप्लॉय कर दिया बट पॉइंट ये है कि मैनुअल टास्क है एवरीवन ठीक है ना तो बेटर ऑप्शन ये है कि मैं एक राउटर यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ जी ये आर टू है और ये आर वन है आर वन जो आर राउटर है हमने ऐड किया है फॉर बैकअप तो अब आपको टोपोलॉजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी आपने यहां पे एक स्विच लगाया स्विच नंबर टू फॉर एग्जांपल ये स्विच वन है ये आपका आईएसपी पोर्शन है और ये आपका लैंड पोर्शन है तो मैंने कहा कि आपका आर वन आर टू सेकेंड आउटर आपने ऐड किया है फॉर बैकअप यस तो अभी आप इन दोनों दोनों गेटवे को कंबाइन करके इन दोनों गेटवे को कंबाइन करके एवरीवन एक वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करते हो क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो लैंड मशीन है ये जो लैंड मशीन जैसे मैं आपको अपना लैपटॉप दिखाऊं अगर मैं यहाँ पे इसका कमांड अगर मैं इसका लैंड कार्ड सेटिंग आपको दिखाऊं लैंड कार्ड की सेटिंग आप किसी भी लैंड कार्ड की सेटिंग आप देखो तो आपको क्या मिल रहा है आप अगर आईपी आईपीडस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो देखो गेटवे सेट करने का एक ही ऑप्शन होता है एक ही आईपी को आप एज अ गेटवे सेट करते हो तो आप आप क्या करते हो आप दोनों दोनों इंटरफेस को कंबाइंड करके एक सिंगल वर्चुअल आईपी आप बनाते हो आपने क्या किया एक वीआईपी बनाया वर्चुअल आईपी फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया टेन डॉट टेन ये आईपी हम यूज करते हैं एज अ गेटवे डिफॉल्ट गेटवे इन कंप्यूटर्स के लिए और जैसे ही आप इन दोनों आई आईपी को कंबाइन करोगे तो आप ये डिसाइड करते हो कि एक गेट आपका एक्टिव होगा और दूसरा गेट आपका स्टैंड बाई होगा यह संतोष कोई क्वेश्चन है आपका सर आईएसपी से जो लिंक है हाँ हाँ डेफिनेटली आप कर सकते तो हैं देखो लेकिन देखो जब आप, आप जो है इस तरह का टुपोली बनाते हो तो बीच में एक लेयर टू स्विच लगा दो ठीक है तो क्या हो गया आईएसपी का कनेक्शन आके इधर भी लग गया वो कनेक्शन इधर भी लग गया संतोष आपका क्वेश्चन था ये? यस यस आईएसपी का जो कनेक्शन है इस टोपोलॉजी में आपने दो डिवाइस लिया हुआ है तो आपको एक लेयर टू स्विच लगाना होगा क्लियर है मेरी बात okay. नाउ अभी मैंने आपसे कहा कि जब आप कंबाइन करते हो इन दोनों गेटवे की आईपी को और एक वर्चुअल आईपी बनाते हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि एक गेटवे आपका एक्टिव गेटवे वे है दूसरा आपका स्टैंड बाई गेट है और ये जो आई है आप डिफॉल्ट गेट में यूज करते हो इन कंप्यूटर्स में तो ट्राफिक आपकी किधर से जा रही है एक्टिव डिवाइस से जैसे ही आपका एक्टिव डिवाइस डाउन हुआ जो स्टैंड बाई डिवाइस है क्या बन गया एक्टिव और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेवल करने लगती है ठीक yes. है ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं अब इसके लिए आपको तीन प्रोटोकॉल स्टडी करने होते हैं अगर ये टास्क आपको परफॉर्म करना है परफॉर्म करने के लिए तीन प्रोटोकॉल है आपके पास एच एस आर पी वी आर आर पी एंड जी एल पी हर प्रोटोकॉल का अपना बिहेवियर है कॉन्फिगरेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है ठीक है तो बात करेंगे एफ एच आर पी आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सर लाइक जैसे ऐसे ना कि एक रूट पे दो रास्ते बनाए हुए हाँ एक रास्ता बंद हो जाएगा तो दूसरा रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा यस yes, अगर एक गेट पे आपका डाउन हुआ तो दूसरा गेट पे उसकी रिस्पांसिबिलिटी ले लेगा जी सर ऐसा यस क्लियर जाहिद क्लियर यस क्लियर सर करण लेकिन ये सिनेरियो में आपका लोकल नेटवर्क में इशू आया तो होगा राइट फिर से फिर से फिर से बोलो फिर से संतोष

सर सर कोई क्वेश्चन है नो ओके रंजन कोई क्वेश्चन है आपका नो सर आई डोंट हैव क्वेश्चन ओके ओके क्लियर नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है एफएचआरपी के बाद आप बात करते हो नैट कॉन्सेप्ट और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक और कॉमन टॉपिक है नेट आप कॉन्फ़िगर करते हो किसी भी एल डिवाइस पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास राउटर है आपके पास फायरबॉल है आप नेट आपको कन्फिगर करना करना है नेट हम कन्फिगर क्यों करते हैं क्योंकि मान लो आपके पास एक राउटर है आपके पास एक राउटर आपने लिया है ये राउटर है आपका मैंने कहा राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम में आता है राउटर को आपने अपने लैंड में कनेक्ट किया एक स्विच के साथ क्यों क्योंकि स्विच पे बहुत सारे इंटरफेस होते हैं तो आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिए मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इस राउटर का जो दूसरा पोर्शन है दूसरा इंटरफेस है वो आपने आईएसपी से कनेक्ट कर दिया तो आप ये क्लियर रखो कि इस टोपोलॉजी में ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका प्राइवेट लैंड पोर्शन है और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका पब्लिक पोर्शन है तो प्राइवेट नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट आईपी फॉर एग्जाम्पलटी टू वन सिक्स अब ये 192 क्या है मैं आप लोग को आईपी जब बताऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा ठीक है बट अभी ध्यान रखिए मैंने अब ये सोचना नहीं है आपको यहाँ पे क्यों लिखा है कुछ और क्यों लिखा हुआ संतोष रंजन करण विजय जाहेद yes, ठीक है। आईपी आपको आगे क्लियर होगा लेकिन अभी आप इतना क्लियर रखो कि मैंने एक आईपी पी यहाँ पे यूज किया ये, है. 10 10 10 तो ये आपकी आईपी है आई लैंड के अंदर हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं प्राइवेट आई एड्रेस तो अगर इस प्राइवेट आई एड्रेस को इस, इस मशीन को अगर इंटरनेट के साइड में जाना है इंटरनेट सर्विसेज यूज करनी है तो इस मशीन को चाहिए पब्लिक आई -पी. इस मशीन को चाहिए पब्लिक आईपी तो आपको ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को इनटू पब्लिक आईपी और ट्रांसलेशन करने के लिए आपके पास ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है अगर आपको ट्रांसलेशन की एंट्री क्रिएट करनी है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना है तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है स्टैटिक नेट का स्टैटिक नेट दूसरा ऑप्शन आप यूज करते हो उसे कहते हो आप डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट और तीसरा जो पॉपुलर ऑप्शन है जिसे आप कहते हो पैट अब स्टैटिक नेट क्या है स्टैटिक नेट में हम क्या करते हैं हम हम जो ट्रांसलेशन की एंट्री करने वाले हैं वो स्टैटिकली करते हैं मैनुअली करते हैं जैसे लैंड के साइड में आपके पास ट्वेंटी कंप्यूटर्स है ठीक है तो आपको ट्वेंटी पब्लिक आई चाहिए बाई किया फॉर एग्जाम्पल नाइन डॉट नाइन डॉट नाइन डॉट टू डॉट थ्री एंड सो ऑन आपके पास ट्वेंटी पब्लिक आई पी है आपसे कहा कि आप एंट्री जो ट्रांसलेशन की एंट्री है वो स्टैटिकली करते हो स्टैटिकली करते हो यानी आपने इस आई पी को आपने इस आई पी को मैप कर दिया इस प्राइवेट आई पी को मैप कर दिया इस पब्लिक आई पी के साथ टेन डॉट इलेवन को आपने मैप कर दिया इस आईपी के साथ तो अब क्या हो रहा है जब भी इस मशीन को बाहर ट्रेवल करना है इसे ये पब्लिक आईपी मिल जाएगी और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल करेगी अगर टेन डॉट इलेवन को जाना है तो इससे ये पब्लिक आईपी मिल जाएगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और ये बाहर जा सकता है तो आप ये क्लियर रखो स्टैटिक नेट के अंदर आपको स्टैटिक एंट्री करनी होती है अब जरा सोचो कि अगर मैं किसी बड़े इन्वा में काम कर रहा हूं अभी मेरे पास पांच कंप्यूटर्स हैं दस कंप्यूटर हैं तो मैंने दस पब्लिक आईपी लिया उसकी एंट्री कर ली राउटर पे पर जरा आप सोचो कि आपके लैन के अंदर अगर टू हंड्रेड कंप्यूटर है तो सबसे पहले आपको टू हंड्रेड पब्लिक आईपी चाहिए उसके बाद आपको टू हंड्रेड इंट्री मैनुअली करनी होगी स्टैटिकली करनी होगी इस नेटेड डिवाइस पे ये जो आपका राउटर है इसे कहते हो आप नेटेड डिवाइस ओके मैं स्टैटिक का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ तो पहले तो मुझे 200 पब्लिक आईपी चाहिए दूसरा 200 एंट्री मुझे स्टैटिकली और मैन्युअली करनी होगी ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है चाहे संतोष रंजन यस सर करण विजय यस सर ये थोड़ा डिफरेंट हाँ यस 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 सर आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द नो यू हैव एक्सप्लेन आई For this network to connecting another network, or what would be the gateway for the routers? Is it is going to be a common, or is it is going to be one public and one. What router? gateway for router? Yeah. This ISP gateway. Okay. 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 Any other question, Anjan? No, that's it. That's it. Now clear yeah, now. Yeah. Okay. Now here we have see. तो यहाँ पे क्या आपके पास 200 पब्लिक आईपी है आपने क्या किया मैं 200 सो एंट्री स्टैटिकली नहीं करना चाहता कन्फ़िगर नहीं करना चाहता सो वी कैन गो वी कैन गो स्टैटिकली मैनुअली नो इन ऑफ सिंगल कमांड आप रेंज ऑफ पब्लिक आईपी यहाँ पे बना लेते हो सिंगल कमांड से आपको 200 सौ एंट्री स्टैटिकली या मेनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करती ये डायनेमिक मैटर क्लियर है मेरी बात अब आपके पास एक पूल रेंज आपने यहाँ पे राउटर पे बना लिया अब कोई भी मशीन फॉर एग्जाम्पल टेन डॉट टेन को जाना है तो उसे कोई भी एक आई पी पूल रेंज से मिल जाएगी और ट्रैफिक आपका ट्रेवल करेगा टेन डॉट इलेवन को जाना है इसे कोई भी एक पब्लिक आईपी यहाँ से मिल जाएगी और ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है बट अगेन अगेन यहाँ पे इशू है अगर आप स्टैटिक और डायनेमिक नेट को देखो तो इशू क्या है 200 प्राइवेट प्राइवेट एड्रेस के लिए आपके पास 200 पब्लिक आईपी होनी चाहिए ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आपके पास क्या है सॉल्यूशन आपके पास है पैट ऑप्शन पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन तो मैं 200 प्राइवेट प्राइवेट एड्रेस के लिए 200 पब्लिक आईपी मैं नहीं लेने वाला सो मैं क्या करने वाला हूँ पैट विथ पैट यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपीडर्स इन सारे प्राइवेट आईपीडर्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हो विथ सिंगल पब्लिक आईपी यह आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है और आईपीएडस हम यूज कर रहे हैं नाइनटी नाइन नाइनटी नाइन नाइनटी नाइन डॉट वन हंड्रेड फॉर एग्जाम्पल सो इन पैट यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल आई पी मल्टीपल आई पी ट्रांसलेट करते हैं का कैसा होता है? हम बात करेंगे एक बना के देख सकते हैं कि जो इनसाइड मशीन है वो प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस कर सकती है कि नहीं आफ्टर नेट क्लियर एवरी बॉन यस तो नेट रिक्वायर्ड है और ये भी आप ध्यान रखो नेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है क्योंकि कोई भी डिवाइस आपको मिलेगा उस नेट आपको कन्फिगर करना करना है ओके आफ्टर नेट हम बात करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में अब देखो जो आपने पहले डिस्कशन किया वो सारा प्रैक्टिकल का पार्ट्स है उन सब में ढेर सारे प्रैक्टिकल्स आपको मिलने वाले हैं कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे हमें थ्योरेटिकली डिस्कशन करना है जैसे वीपीएन पी कॉन्सेप्ट क्या होता है हमें डिस्कशन करना है एस डी वैन क्या होता है बेसिक ऑफ एस डी वैन ये क्या होता है क्योंकि जब आप सी सी के बाद आप सीजन पी में जाओगे सीजन पी में आप जब जाओगे तो वहां पे आपको स्टडी करना होता है एस डी वैन कॉन्सेप्ट ये एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है नेटवर्क के अंदर और हर वेंडर के अंदर ऑप्शन है सिस्को के अंदर एस डी वैन आता है प्रिजमा कहते हैं तो हर एक वेंडर में एस डी वैन इम्प्लीमेंटेशन है तो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा जिससे आपको सीसीएनपी में कभी आप करने जाओगे एस डी वैन क्योंकि एस डी वैन अपने आप में अच्छी खासी ट्रेनिंग है आपको सिक्सटीन टू ट्वेंटी आवर ट्रेनिंग करनी होती है फॉर एस टी वैन तो यहाँ पे लेकिन आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा क्योंकि सीजन लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वीपीएन क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है ठीक है इंक्रिप्शन क्या होता है डिक्रिप्शन क्या होती है आईपी से क्या होता है बेनिफिट क्या है वीपीएन को यूज़ करने का साइड टू साइड क्या होता है रिमोट एक्सेस क्या होता है कोई पूछ सकता है आपसे एक ब्रांच ऑफिस आपका दिल्ली में है दूसरा ब्रांच ऑफिस आपका बेंगलोर में है दोनों को वीपीएन से कनेक्ट करना है दोनों को सिक्योरली कनेक्ट करना है तो यस वीपीएन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वीपीएन ये सब है नेटवर्क ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है तो ये हमारा टॉपिक डिस्कशन है करण संतोष विजय जाहिद रंजन ये सब आज हम सिर्फ टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक आज देवन जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा इंटरनेट वर्किंग डिवाइस तो आज सिर्फ टॉपिक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड से से सैटरडे हमारा टाइमिंग फिक्स है 6 पी पे आपको कनेक्ट करना है सिक्स पी टू सेवन थर्टी पी सैटरडे संडे ओके आप लोग अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए मैं आप लोगों को स्लाइड्स नोट्स और लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर और आज की सेशन की रिकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी देर के बाद भेज दूंगा अभी मेरा फिर से बैच है मैं 11 बजे फ्री हो जाऊंगा तो मैं शेयर कर दूंगा ओके जाहिद ओके करण संतोष विजय बाय गाइस टेक केयर एवरी बाय एवरी Bye. Bye, guys. Take care. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, everyone. JNTech Networks is a highly reputed best networking training institute in India. We are one of the most preferable Cisco certification training institute. We offer candidates to learn from the industry's best networking engineers, network specialists, and network experts who have more than 12 years of industry experience. We offer course like new CCNA 200-301 CCNP Enterprise Infrastructure CCNP Security CCI Enterprise Infrastructure and CCI Security V6. Multi-vendor technology courses including Checkpoint Certifications, AWS Certification, Palo Alto Firewall, ASA, Cisco Firepower, Firewall F5, Load Balancer, BGP, MPLS, Fortinet Firewall, Cyber Security, CH, Wireshark, and CompTIA Security Plus. एवरी वन डिस्कशन स्टार्ट करें करण किशन यस यस सर यस यस ओके वो सो फर्स्ट टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपका है इंटरनेट इंटरनेटवर्किंग डिवाइस लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था टॉपिक क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर और उसमें जो पहला टॉपिक आपका है वो है इंटरनेटवर्किंग इंटरनेट इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस और इंटरनेटवर्किंग डिवाइस कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट हब डिवाइस के बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे हब डिवाइस क्या होता है देन हम डिस्कशन करेंगे स्विच क्या होता है स्विच यहाँ पे मैं अभी आपको बेसिक आइडिया दूंगा एक डिवाइस के बारे में जब आप स्विचिंग स्टडी करोगे तो स्विच पे आप प्रॉपर वर्क करोगे जब आप राउटिंग डिस्कशन करोगे तो राउटर पे हम वर्क कमांड हम एक्जीक्यूट करेंगे बट अभी हमारा टॉपिक है बेसिक डिस्कशन करना हब स्विच और राउटर एंड जो लास्ट डिवाइस है वो है आपका फायरवॉल तो नेटवर्क में लगने वाले ये डिवाइसेस आपके पास है हब स्विच राउटर एंड फायरवॉल हब को यूज नहीं करता बट हमें डिस्कशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हब का जब डिसएडवांटेज आपको क्लियर होगा तो फिर हम बात कर पाएंगे कि स्विच इंपॉर्टेंट क्यों है ठीक है एंड देन डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है क्या राउटिंग यस yes, किशन कोई क्वेश्चन है क्या आपका नहीं नहीं ओके नाउ नेक्स्ट इज तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विथ हब डिवाइस से कुछ भी पता है किसी को हब डिवाइस के बारे में हब डिवाइस क्या होता है हब आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसे आप लैन के अंदर यूज करते हो जो आपके इन डिवाइस हैं कंप्यूटर्स डेस्कटॉप लैपटॉप आप उनको कनेक्ट करते हो विथ हब से हब की प्रॉब्लम क्या है अगर मैं नेटवर्क में हब डिवाइस यूज कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉब्लम क्या है अब जब भी कोई ट्रैफिक रिसीव करता है जब भी कोई ट्रैफिक वो रिसीव करेगा फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है इसका आई पी एड्रेस है वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट वन अभी आई क्या है ये कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे ठीक है ये वन नाइन्टी टू मैंने क्यों यूज किया हुआ है बट अभी अभी आप ध्यान दो ये एक आई है जो मशीन के पास है तो टेन डॉट वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट फोर और डॉट फाइव अगर मैंने इस नेटवर्क में इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हब अगर लगाया हुआ है तो हब का प्रॉब्लम क्या है जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल टेन डॉट वन को अगर कम्युनिकेशन करना है टेन डॉट फाइव से तो इसकी ट्रैफिक जैसे ही हब के पास आएगी तो हब क्या करता है हब जब भी कोई सिग्नल रिसीव करता है तो उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर देता है यानी वो सिग्नल हर एक इंटरफेस पे भी वो भेजेगा हर एक इंटरफेस को डिस्टर्ब करेगा वो टेन डॉट टू पर भी जा रही है टेन डॉट थ्री पे भी जा रही है टेन डॉट फोर पर भी जा रही है, है बट ये टेन डॉट फाइव तो है नहीं आपको कम्युनिकेशन किससे करना था टेन डॉट फाइव से तो टेन डॉट फाइव में रिप्लाई भेजा कम्युनिकेशन हो रहा है बट ये जो ये जो कम्युनिकेशन है ये ब्रॉडकास्ट है जब भी हब हाँ कोई ट्रैफिक रिसीव करेगा वो क्या करेगा उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा हब के साथ ये प्रॉब्लम है अब मान लो आप टेन डॉट वन और टेन डॉट फाइव आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं इनकी ट्रैफिक जैसे ही यहाँ पे आ रही है जैसे ही ट्राफिक आ रही है बात हो रही है इनकी आपस में उसी टाइम पे सेम टेन डॉट टू को टेन डॉट थ्री से कम्युनिकेशन करना है तो इसका ब्रॉडकास्ट इनका ब्रॉडकास्ट और टू और थ्री के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसका ब्रॉडकास्ट दोनों मिल के नेटवर्क में क्या क्रिएट करते हैं कोलिजन अब जो है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है मैंने क्या बोला हाफ जिस मोड पे काम करता है उसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स तो आप ये क्लियर करो जो कम्युनिकेशन मोड है उसमें सिंप्लेक्स होता है सिंप्लेक्स होता है हाफ डुप्लेक्स होता है आपका और फुल डुप्लेक्स होता है सिंप्लेक्स हमें कोई मतलब नहीं है हम हाफ डुप्लेक्स के बारे में बात करें हाफ डुप्लेक्स का मतलब कि एक टाइम पे सिर्फ कोई एक कम्युनिकेशन कर सकता है एक टाइम पे सिर्फ कोई एक कम्युनिकेशन कर सकता है हाफ डुप्लेक्स हब हाँ किस मोड में काम करता है हाफ डुप्लेक्स मोड बट अगर आप फुल डुप्लेक्स की बात कर रहे हो तो जो स्विच होता है आपका वो किस मोड में काम करता है फुल डुप्लेक्स तो हब हाँ के साथ आई होप प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी हब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब भी वो कोई ट्रैफिक रिसीव करेगा वो उस सिग्नल को क्या करता है ब्रॉडकास्ट कर देता है क्लियर है मेरी बात एवरी यस yeah. अब मार्केट में अगर आप हब को सर्च करो अभी आप गूगल कर लो क्लास के बाद आप हब को सर्च करो तो हब आपके हब साथ एक और प्रॉब्लम है कि उस पर लिमिटेड पोर्ट होते हैं आपके पास फोर पोर्ट के हब मिल जाएंगे डिवाइस या सिक्स पोर्ट के मिल जाएंगे या मैक्सिमम मिल जाएगा आपको एट पोर्ट का मिल जाएगा बट मार्केट में जो अब लेयर टू डिवाइस आती है हब क्या है लेयर टू डिवाइस है बट आपके पास अब क्या है स्विच नहीं हब हफ लेस आपकी नहीं है ये लेयर वन डिवाइस है अब लेयर वन क्या होता है ये ओ एस आई मॉडल जब हम बात करेंगे तो डिस्कशन करेंगे बट यहाँ पे पॉइंट क्लियर करो कि हब क्या है हब आपका हब हाँ डुप्लेक्स में काम करता है हब हाँ ब्रॉडकास्ट करता है तो नेटवर्क में हम हाँ हब हाँ डिवाइस को यूज़ नहीं करते और जो पोर्ट है वहाँ पे लिमिटेड होते हैं आपको सिक्स पोर्ट का हब हाँ मिल जाएगा या मैक्सिमम एट पोर्ट का मिल जाएगा लेकिन अगर आप मार्केट में स्विच को देखो स्विच को देखो तो स्विच के लिए क्या आपके पास ट्वेंटी फोर पोर्ट के स्विच आपको मिल जाते हैं फोर्टी एट पोर्ट के स्विच आपको मिल जाते हैं तो अभी हम नेटवर्क के अंदर हब डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते नहीं करते क्योंकि उसका इशू है इसलिए हम क्या यूज करते हैं स्विच स्विच आपका क्या है लेयर टू डिवाइस है और आप इसे लैन के अंदर यूज करते हो आप इसको लैन के लिए यूज करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ कंप्यूटर्स हैं और उनको आपने स्विच से कनेक्ट किया है ये आपने एक स्विच डिवाइस लगा के रखा हुआ है और इससे आपने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट करके रखे हुए हैं ये आपका स्विच डिवाइस और ये आपके इंटरफेसेस फॉर एग्जांपल फास्ट जीरो स्लैश जीरो ये जीरो स्लैश वन जीरो टू जीरो स्लैश थ्री जीरो स्लैश फोर ये आपके इंटरफेस नंबर है अभी मैं आपको जब स्विच एक्सेस करूंगा तो मैं आपको दिखा दूँगी ये क्या आपका इंटरफेस नंबर है अब यहाँ पे आई चल रही है वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट वन टेन डॉट टू टेन डॉट थ्री टेन डॉट फोर टेन डॉट फाइव तो अगर आप स्विच यूज़ कर रहे हो तो क्या करेगा जैसे ही अगर टेन डॉट वन को कम्युनिकेशन करना है जब भी टेन डॉट वन को कम्युनिकेशन करना है फॉर एग्जाम्पल टेन डॉट फाइव से तो स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन जब भी कोई ट्राफिक को रिसीव करता है तो फॉरवर्डिंग का डिसीजन वो मैक टेबल के बेस पे लेता है स्विच क्या करता है टेबल मेंटेन करता है जिसे क्या कहते हैं मैक टेबल आप इसे मैक टेबल भी कह सकते हो या इसे आप कैम्प टेबल भी कह सकते हैं मैक टेबल या कैम टेबल दोनों सेम नाम कंफ्यूज नहीं होना तो स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेगा तो मैक टेबल के भी हाँ पे लेगा अब यहाँ पे मैक टेबल का मतलब मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ कभी किस आपने कभी मैक एड्रेस के बारे में सुना है किसी ने यस सुना है यस कुछ भी आप बता दो नहीं मतलब इतना 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 डीपली नहीं पता है, लेकिन जैसे कोई भी डिवाइस होता है, अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं इसमें आईटी फील्ड में तो उसमें हर किसी का एक पर्टिकुलर आ, मैक एड्रेस होता है डिवाइस का वो चीज़ें जैसे प्रिंटर का वो प्रिंटर अपना और मैक एड्रेस भी आप चेंज नहीं कर सकते कितने बिट का होता है आपका मैक एड्रेस फोर्टी एट बिट का होता है और हाँ, तो ये फोर्टी एट आपके डिवाइड होते हैं दो पार्ट में ट्वेंटी फोर बिट एंड ट्वेंटी फोर बिट तो ट्वेंटी फोर बिट आपका सीरियल नंबर है और रेस्ट ट्वेंटी फोर बिट आपका वेंडर कोड है मैक एड्रेस हम चेंज नहीं करते जैसे अगर आप अभी आप वेरीफाई करो मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस तो आपको आई पी कॉन करना है आई पी कॉन स्पेस स्लैश ऑन आप अपने लैपटॉप पे वेरीफाई कर सकते हो मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आई पी कॉन स्पेस स्लैश ऑन तो ये आपका मैक एड्रेस है जैसे मैं एक लैंड कार्ड ले रहा हूँ ये वी एम एट एट ये इसका फिजिकल एड्रेस आप इसको मैक एड्रेस भी कहते हो और आप इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हो तो मैंने कहा मैक एड्रेस फिक्स होता है हर एक डिवाइस का तो ये जो मशीन है ये जो मशीन है इन पे जिसपे आपने आई पेड्रेस किया है कि आपका इसका मैक एड्रेस ए है इसका मैक एड्रेस बी है इसका मैक एड्रेस सी ये डी और ये ई e. ओके okay, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं तो मैंने कहा मैक एड्रेस चेंज नहीं होता फोर्टी एट बिट का होता है और फॉर्मेट अभी आपने देखा तो पॉइंट ये है कि स्विच आपका जो फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है वो मैक एड्रेस के बेस पे लेता है तो जैसे ही ट्रैफिक टेन डॉट वन को कम्युनिकेशन करना होगा टेन डॉट फाइव के साथ तो ट्रैफिक आपकी स्विच पे हिट करेगी स्विच क्या देखेगा कि सोर्स आईपी क्या है और सोर्स मैक क्या है तो सोर्स आईपी क्या है किस आईपी से ट्रैफिक इनिशिएट हुई है टेन डॉट वन स्विच को क्लियर हो गया कि वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट वन और मैक एड्रेस क्या है इसका ए ए तो यहाँ पे जैसे ही ट्रैफिक स्विच का पोर्ट रिसीव करेगा यहाँ पे वो आईपी को आईपी की बाइंडिंग करेगा आईपी और मैक की बाइंडिंग करेगा और उसके लिए वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है बैकग्राउंड में जैसे क्या कहते हो आप ए आर पी एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल ए आर क्या करता है आपका आईपी टू मैक और मैक टू आई की बाइंडिंग करता है जैसे ही ट्रैफिक आपकी पोर्ट पे हिट होगी स्विच क्या करेगा ए प्रोटोकॉल यूज करेगा और इससे वो मैक एड्रेस को बाइंड कर लेगा स्विच क्या बोलेगा ठीक है आपकी ट्रैफिक आ गई तो मैं पोर्ट नंबर पे मैक एड्रेस को बाइंड कर लेता हूँ बट ये मेरा एक नया स्विच है आपने नेटवर्क में क्या लगाया है नया स्विच लगाया है तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पर रिसीव हो गई सोर्स आई मिल गई स्विच को सोर्स मैक मिल गया डेस्टिनेशन आईपी की भी इंफॉर्मेशन उसमें है कि आपको कम्युनिकेशन करना था टेन डॉट फाइव से लेकिन डेस्टिनेशन जो मैक आपका है उसकी इंफॉर्मेशन स्विच के पास तो है नहीं क्योंकि नया स्विच है मैंने कहा स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन मैक टेबल के भी यहाँ पे देख लेगा तो यहाँ पे मैक एड्रेस उसके पास उसको पैकेट में क्या मिल रहा है सोर्स आईपी ये है डेस्टिनेशन आईपी पी ये डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट नंबर ये है सोर्स मैक एड्रेस ये है डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस ये है बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसे पता नहीं है तो यहाँ पे जैसे ही ट्रैफिक को रिसीव कर रहा है वो उसे क्या करेगा ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये भी आप क्लियर कर लो स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है करण किशन विजय रंजन स्विच आपका ब्रॉडकास्ट करता है कब जब उसकी इंफॉर्मेशन उसके मैक टेबल में नहीं होती तो टेन डॉट फाइव ये आई हो, आप हो, आप हो, आप हो। तो अगेन स्विच ने स्विच के पोर्ट ने क्या यूज किया ए प्रोटोकॉल और इसका एड्रेस बाइंड कर लिया पीसी नंबर फाइव का एड्रेस क्या है आपका ई e. तो दोनों की कम्युनिकेशन हुई है दोनों का एड्रेस बाइंड हो गया तो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है अगर एंट्री मैक टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए वो ब्रॉडकास्ट करेगा और ये जो मैक टेबल जो, आप, जो, जो, जो आप देख रहे हो ये जो मैक टेबल मेंटेन कर रहा है रिपेयर कर रहा है स्विच मैक टेबल ये जो एंट्री आप देख रहे हो ये फाइव मिनट के लिए होती है तो आप स्विच पे लैब करोगे तो आप देखोगे ये जो एंट्री है सिर्फ फाइव मिनट के लिए अगर फाइव मिनट तक इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई ट्रैफिक हिट नहीं होगी तो मैक टेबल की जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है किशन रंजन क्लियर है है मेरी बात विजय करण ऑटोमेटिकली yes, डिलीट yes. हो जाती पांच मिनट का टाइम होता है 300 का अच्छा तो पॉइंट पे ये है मैंने कहा कि ए ए की एंट्री आपके पास स्विच के अंदर होगी मैक टेबल के अंदर और पीसी नंबर फाइव का मैक टेबल वो भी एंट्री हो गई दो मैकेड की एंट्री मिल गई अब मान लो आपका टेन डॉट टू इसको कम्युनिकेशन करना है इसको कम्युनिकेशन करना है इसी टेन डॉट फाइव से इसका यहाँ पे पैकेट आया इंफॉर्मेशन जो ट्राफिक यहाँ पर आई तो इसने क्या किया सबसे पहले ए आर पी प्रोटोकॉल यूज किया और उसने आई पी की मैक आई पी टू मैक बाइंडिंग कर दी तो सबसे पहले बोला ठीक है आपकी आपका सोर्स आई पी मुझे मिल गया आप टेन डॉट टू से आ रहे हो और आपका मैक भी मुझे मिल गया आपका मैक है बी बी तो उसने एंट्री कर ली अब उसने बोला कि आपको कहाँ जाना टेन डॉट फाइव ठीक है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे मैक टेबल में है तो अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा अब ये ट्रैफिक सीधे कहाँ जाएगी आपकी टेन डॉट फाइव के पास और ये जो कम्युनिकेशन है उसे आप क्या कहते हो यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है ट्रैफिक सबको जाती है और यूनिकॉस्ट का मतलब क्या होता है वन टू वन -to -one कम्युनिकेशन यानी अब टेन डॉट टू टेन डॉट फाइव वन टू वन कम्युनिकेशन कहते हो आप ब्रॉडकास्ट का मतलब सबके पास जा रही है है तो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है अगर एंट्री मैक टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है तो क्लियर हुआ स्विच स्विच का सर द ऑफ फुल 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 डुप्लेक्स 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 आप, हाँ मतलब उस, उस तो आप ट्रैफिक रिसीव कर सकते हो आरएक्स ठीक है या आप ट्रांसमिट कर सकते हो दोनों टास्क एक साथ नहीं कर सकते हब के साथ ये प्रॉब्लम है लेकिन अगर कोई डिवाइस फुल डुप्लेक्स में है यानी उस पर्टिकुलर पोर्ट पे मैं ट्राफिक रिसीव भी कर सकता हूँ उसी टाइप पे मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ तो स्विच का बेनिफिट क्या है कि वो फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है

लिमिट जो आपका रेंज है वो आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है ठीक है ना और आपका कनेक्टिविटी जैसे अगर आपका यूटीपी केबल है अगर आप यूटीपी केबल लगा के रखा हुआ है RJ45 के साथ तो उसकी अलग होती है, अगर आपने लगाया हुआ है उसका अलग है ठीक okay. okay, so है लेकिन अगर अगर आपने यूटीपी केबल लगा के रखा हुआ है हुँ. तो उसकी लेंथ आपकी हंड्रेड मीटर तक होती है Okay. और अगर आप फाइबर फाइबर की आप दो स्विच को कनेक्ट जैसे आप कैंपस ले लो एक कैंपस कैंपस के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स उनको आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप आप जब स्विच को स्विच से कनेक्ट करते हो तो फाइबर होता है मैं आपको दिखाता हूं जैसे आप कोई भी सिस्को का स्विच ले लो आपने जीरो जीरो ले लिया यहां पे हम इमेज देख लेते हैं ये आपका जो स्विच है ये ये टू नाइन जीरो जीरो वेट कोई और ले लेते हैं वेट रंजन ये दिख रहा है आपको ये आपके गीगा बिट इथ इंटरफेस है ठीक है अगर आप कैंपस कनेक्ट कर रहे हो मान लो एक आपका एक कैंपस के अंदर मल्टीपल आपके मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं एक बिल्डिंग आपका ये है मल्टीपल बिल्डिंग्स है उनकी आपस में काफी दूरी है ठीक है तो यहाँ पे इस लैंड में कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगे हैं इनकी लैंड कनेक्टिविटी के लिए आपने एक स्विच लगा के रख दिया स्विच Okay. इनसे लैंड कनेक्ट हो गया बट अब अगर आपका दूसरा ये अब बिल्डिंग है यहाँ पे भी एक स्विच आपने लगा के रखा हुआ है Computer's आपने अटैच कर लिए लैंड के साइड में बट अगर इस स्विच की पूरी ट्रैफिक आपको दूसरे स्विच पे भेजनी है तो फिर आपको कनेक्ट करना होता है किससे गीगा ये आपका जो इंटरफेस है ये फाइबर कनेक्शन के लिए देखो पोर्ट का पोर्ट का तरीका भी चेंज होगा देखो आज इस पे जो पोर्ट होता है अलग तरीके का होता है आपको दिखाता हूँ ये देख रहे हो आप यस yes, सर ये फाइबर कनेक्शन के लिए और ये 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 जो जो पोर्ट्स पोर्ट्स हैं आप 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 देख रहे रहे हो 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 सब तो तो इनकी लेंथ आपकी लिमिटेड होगी मीटर्स बट अगर आप, अगर आप या तो आप, uh, या फाइबर कनेक्शन यूज कर कर किलोमीटर किलोमीटर की रेंज में केबल कनेक्ट सकते हो। okay, sir. I have a, I have Hmm. Because if if you are in the same campus, for example, you said what's only for hundred meters. If the campus is uh, more than hundred meters, so hmm. they use Wi-Fi, right? So whether the Wi-Fi module is connectable with the switch? Wi-Fi module? What do you No, <clears throat> actually, you said that uh, the, there is a limitation for the switch that is only for hundred meters. I'm yes. yes. Okay. So there is a two different buildings: building A and building B.

बट बट क्या होता है वायर्ड का क्या होता है रिलायबिलिटी होता है वायर्ड क्या है आपका कनेक्शन है प्रॉपर वायरलेस में क्या है आपके कनेक्शन ड्रॉप हो सकते हैं और वायर्ड में क्या है आपका डेडिकेटेड रिलायबल है ओके ओके योर क्वेश्चन एक्सेस पॉइंट एक्सेस पॉइंट यस उसी की बात हो रही है yes. लेकिन वही है कि वो डिपेंड करता है वेंडर पे ठीक है आप कौन सा वेंडर ले रहे हो आपको रिक्वायरमेंट hmm. किस तरह की है लेकिन लेकिन अगर आपका कैंपस वन किलोमीटर के बीच में है तो आप ट्राई करो कि आप फिजिकल केबल यूज करो ओके क्लियर ना और कोई क्वेश्चन है आपका oh, sir. Oh, sir. वेदांत आपको मेरी आवाज आ रही है किशन Hello. किशन कोई क्वेश्चन है आपका नो 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 क्वेश्चन हेलो सर यस यस आपको मेरी आवाज आ यस यस आई एक्चुअली आई एम लेट टुडे कोई बात तो नहीं ओके okay, नाउ अब सो फर्स्ट डिवाइस हमारे पास क्या थी हब अब वैसे भी स्मॉल डिस्टेंस के लिए आप यूज करते हो और हब आपको मिलेगा भी नहीं आपको मिलेगा मार्केट मार्केट के अंदर स्विच तो हम स्विच पे डिस्कशन कर रहे थे अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप क्लियर करो स्विच जब आप यूज करते हो तो उसके ऑप्शन है आप लेयर टू स्विच यूज कर सकते हो और मार्केट में लेयर थ्री स्विच भी आपको मिलता है लेयर टू एंड मतलब वो फॉरवर्डिंग का जो डिसीजन है वो सिर्फ के के बेस बेस पे पे लेगा लेगा या बट अगर आपने लेयर थ्री स्विच लगा के रखा हुआ है तो वो आपका फॉरवर्डिंग का डिसीजन मैकेड के बेस पे भी ले सकता है और आईपी के बेस पे भी ले सकता है अब एक स्विच को आप लेयर थ्री या लेयर टू मोड में कैसे यूज करते हो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बात करेंगे बट एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करो कि जो आपका लेयर थ्री स्विच है जो आपका लेयर थ्री स्विच है बाय डिफॉल्ट जो उसका मोड होता है वो लेयर टू होता है आपने लेयर थ्री स्विच लेके भी रखा हुआ है लेकिन उसका मोड बाय डिफॉल्ट क्या है आपका लेयर टू यानी वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस के बेस पे लेता है अगर आपको फॉरवर्डिंग uh, का डिसीजन आईपी के बेस पे लेना है तो आपको एक छोटी सी कमांड एक्सिक्यूट करनी होती है आईपी राउटिंग हम बात करेंगे ये डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो कि एल थ्री स्विच भी आपका अल्टी लेयर स्विच आप उसे कहते हो या लेयर स्विच आप उसे कहते हो वो फॉरवर्डिंग का डिसीज़न डिफ़ॉल्ट के बेस पे लेता है जाहिर कोई बात नहीं आपको मेरी आवाज आ रही जाहिद ओके okay, ठीक है कोई क्वेश्चन होगा तो आप टाइप कर सकते हो ठीक है ओके okay. ओके okay. राउटर राउटर क्या, क्या है आपका राउटर आपका इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है ये आपका किस लिए है लैंड के लिए यानी आपको एक लैंड कनेक्ट करना हो एक बिल्डिंग कनेक्ट करनी हो तो आप स्विच यूज करते हो बट जब आपको डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करना डिफरेंट नेटवर्क ये पॉइंट कहां से आ गया तो मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंट नेटवर्क देखो आप डाल आप माइक म्यूट कर लो कोई क्वेश्चन होगा तो अब म्यूट कर लेना मेरे पास दो कंप्यूटर हैं ठीक है और मैंने एक डायरेक्ट केबल कनेक्ट किया हुआ है दोनों के बीच में मैं इस पर पे आईपोड पे कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उसको आप यहाँ भी देख सकते हो जैसे आपने दो कंप्यूटर लिया और मैंने इनके लिए केबल कनेक्ट किया आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करो इस मशीन पे वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट वन दूसरा कंप्यूटर है मैंने उस पर सेम सीरीज की आईपी दी हुई है तो इसको मैं दे रहा हूँ क्या 192, 192, 168, वन नाइनटी टू अब अगर आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करो यहाँ से अगर आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करो कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं डिवाइस पे उसे कहते हैं पिंग सामने वाले मशीन पे मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ अगर मुझे रिप्लाई मैसेज मिलेगा यानी मेरी कनेक्टिविटी इस डिवाइस से है तो मैंने इंटरप्रेस किया और मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है रिप्लाई फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम ये चार पैकेट मुझे मिल रहा है इसका मतलब मेरी कनेक्टिविटी है सामने वाले डिवाइस से तो आप ये क्लियर रखो कि ये सेम सबनेट आपने या सेम नेटवर्क आपने यूज किया है अब इन दोनों कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना होता तो आप बीच में एक स्विच लगा सकते थे आप डेढ़ टू स्विच जैसे मान लो एक स्विच लगा लेते हैं पे हम स्विच पर कुछ करने नहीं वाले मैं आपको बस ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि एक स्विच है आपके पास एक स्विच आपने लिया कुछ कंप्यूटर्स आपने अटैच किया स्विच के साथ ये जो केबल मैं लगा रहा हूं ये यूटीपी केबल है और स्विच से पीसी तक जो आप केबल यूज करते हो और जो कनेक्टर आप यूज करते हो यहाँ पे उसे कहते हैं आर जी फोर्टी तो फाइव रजिस्टर्ड जैक उसे कहते हैं या आर जी फोर्टी फाइव शॉर्ट में कहते हैं ना मैं अगर इन कंप्यूटर्स पे आईपेडर्स कर रहा हूँ टू वन सिक्सटी जो आपने थ्योरेटिकली देखा था आप उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो दूसरा कंप्यूटर है आपका 10.2 10.3 और ये आपका 10.4 चार कंप्यूटर मैंने लिए हैं और एक सिंपल सा स्विच मैंने मार्केट से लिया उसमें पावर केबल लगाई और केबल मैंने अटैच कर दिया कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया सिंपल और जैसे ही आप इस स्विच पे आ रहे हो स्विच को आप अभी मैं एक काम करता हूँ इसको रीस्टार्ट करता हूँ फिर देखते हैं कमांड क्या टाइप कर रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा अभी आप कमांड पे ध्यान मत दो कि रोड मैंने क्या टाइप किया है ये इनेबल क्या टाइप किया तो ये एक स्विच है स्विच पे अगर मैं इसकी मैक टेबल देखूँ मैंने आपसे कहा था स्विच जो, जो है वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन मैक टेबल के बेस पे लेता है और मैक टेबल देखने की कमांड होती है शो मैक एड्रेस टेबल यहाँ पे कोई भी एंट्री आपके पास नहीं है देखो कोई भी एंट्री नहीं है जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ इस मशीन से मैं इस मशीन पे आया और यहाँ से मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ मैं किसको पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ वन को सिर्फ मैं इसको पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ आ आ रही है। रिप्लाई आ रही है यानी और आपस में कर रहे तो अगर आप इस स्विच पे वेरीफाई करो शो मैक तो सिर्फ दो डिवाइसेस का कम्युनिकेशन हुआ है विजय जाहिद सिर्फ दो डिवाइस का कम्युनिकेशन हुआ है और आप ध्यान से देखो दो ही डिवाइस की एंट्री आपको दिख रही है ये देखो आप ये मैक एड्रेस है आपका जो पोर्ट नंबर वन से कनेक्टेड है ये डिवाइस का मैक एड्रेस है जो पोर्ट नंबर फोर से पीसी कनेक्टेड ये उसका मैक एड्रेस है सर वन क्वेश्चन हाँ श्योर sure. सर पहले जब आपने लिखा कि वो शो कर मैक एड्रेस तो उस उसने शो नहीं, नहीं किया हम्म ठीक okay. है हाँ फिर आपने वहां जाके उन इसको पिंक करवाया पिंक करने के बाद फिर ये शो कर रहा है ये हुँ. इस तरह क्यों यानी कि आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए अभी मैंने थोड़े पहले, पहले बताया है जो है फॉरवर्डिंग का डिसीजन

तो मैं, कहता पिंग हूं, किया मैं किया उस टाइम आपने ट्रैफिक इनिशिएट नहीं किया था अच्छा आपने आपने ये जो पिंग है आपने नहीं किया था इसलिए इसलिए पहले इसलिये मैं पहले मैंने आपको दिखाया कि पहले आपको नहीं दिख रहा है आ, आप यही मैं पूछना चाह रहा पहले ही बताया है स्विच जो है वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन मैक टेबल के भी आप पे लेता है और जैसे ही ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हुई है दो मशीन आपस में कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं टेन डॉट वन और टेन डॉट फोर जी जी सर तो जैसे इन दोनों की सिर्फ कम्युनिकेशन हुई है तो हमारे थ्योरेटिकल डिस्कशन के हिसाब से इन दोनों का मैक एड्रेस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है ओके ठीक में क्लियर है हमने अभी थ्योरेटिकली डिस्कशन किया था किशन वेदांत विजय रंजन यस करण कोई क्वेश्चन है आपका करण कोई क्वेश्चन है ओके no, okay, अब यहाँ पे जो इंट्री आपको दिख रही है ये है डायनेमिक एंट्री वैसे आप स्टैटिक एंट्री भी करते हो जब आप स्विच पे काम करोगे तो आप एंट्री क्रिएट करोगे स्टैटिकली बट आप ध्यान से देखो अगर आप किसी किसी स्विच पे वर्क कर रहे हो और वहां पे एंट्री आपको डायनेमिक दिख रही है इसका मतलब ये ऑटो ऑटोमेटिकली इसने एंट्री क्रिएट किए और मैंने आपको यह भी बताया था अगर फाइव हंड्रेड पे नहीं ट्रेवल करेगी तो यह इंट्री ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी तो ये मैक टेबल है जो आपने थ्रिटिकली देखा था ना अब आते हैं नेक्स्ट डिवाइस पे आई होप ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा सबको बेसिक ऑप्शन आगे मूव करे ऑटो डिवाइस पे तो राउटर डिवाइस आपका क्या होता है राउटर आपका राउटर को आप कहते हो इंटरनेटवर्किंग डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपको कम्युनिकेशन कराना हो तो आप राउटर यूज करते हो राउटर तो पहले आप ये जान लो डिफरेंट नेटवर्क होता कैसा है जैसे ये दो मशीनें आपने लिया हुआ है इन दो कंप्यूटर्स को अभी आपने देखा था आप इनको अभी पिंग करने की कोशिश कर, को, कर रहे हो आपस में टेन डॉट वन को टेन डॉट टू से यहाँ पे आप वन यूज कर रहे हो यहाँ पे आप टू यूज कर रहे हो अगर आपने कनेक्टिविटी वेरीफाई किया रिप्लाई आपको आ रही है तो ये सेम नेटवर्क में ठीक है सेम नेटवर्क में कैसे है आप जब आईपी डिस्कशन करोगे तो बात करोगे बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो ये सेम नेटवर्क में तो आपको रिप्लाई आ रही है अगर मैं इस कंप्यूटर पे कुछ और आईपी दे दू मैंने यहां पे लिखा ट्वेंटी डॉट टू तो अब ये डिफरेंट नेटवर्क है अगर आप यहां से पिंग करो ट्वेंटी डॉट टू को अब आपको रिप्लाई नहीं आ रही है। तो अब ये आपका डिफरेंट नेटवर्क है और अगर डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो आपको क्या चाहिए राउटर डिवाइस या आप कह सकते हो तो अगर लैंड को वैन से कनेक्ट करना हो तो आपको चाहिए राउटर डिवाइस अब राउटर अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो नेटवर्क के अंदर तो उसे आपको पहले ये क्लियर करना होगा राउटर दो टाइप के होते हैं पहला आपके पास होता है फिक्स राउटर राउटर और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है मॉड्यूलर राउटर राउटर एंड मॉड्यूलर राउटर राउटर क्या होता है ऐसा राउटर जिस पे पोर्ट आपके क्या हो फिक्स हो गए ठीक है एक राउटर आपके पास अगर आपको मिले मैं आपको राउटर की इमेज दिखाता हूं वेट कोई भी एक राउटर का सीरीज आप ले लो आपने लिखा राउटर ये ट्वेंटी सिक्स है एट कोई और भी ले लेते हो एग्जाम्पल में ये आपका जो राउटर है ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सी का राउटर है और ये आपका फिक्स राउटर है एवरी ये जो पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं जैसे ये आपका पावर पोर्ट है ये आपका ऑन ऑफ आप बटन है डिवाइस को एक्सेस करने के लिए एक कंसोल पोर्ट आपको मिला हुआ है आप ऑक्सिलरी पोर्ट से भी उसे एक्सेस कर सकते हो कुछ डेटा इंटरफेसेस आपके पास हैं ये सारे सीरियल पोर्ट्स हैं इनको आप क्या बोलते हो सीरियल पोर्ट तो ये पोर्ट जो आपको दिख रही है फिक्स है अगर इन फ्यूचर आपको लगता है कुछ और पोर्ट एक्सटेंड करने हैं आपका नेटवर्क एक्सटेंड हो गया है आपको और पोर्ट एक्सटेंड करने हैं तो आप नहीं कर सकते फिक्स राउटर की प्रॉब्लम क्या है कि जो पोर्ट आपको मिले हैं वो फिक्स है आप उनमें कुछ भी ऑप्शन ऐड नहीं कर सकते तो डिवाइस लेने से पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा डिवाइस लेने से पहले कि आप फिक्स ले रहे हो कि आप आप मॉड्यूलर राउटर ले रहे हो फिक्स राउटर का मतलब आपने राउटर लगा दिया अब आपका नेटवर्क एडमिन कह रहा है कि हमें नेटवर्क एक्सटेंड करना है अब आप देख रहे हो आपके पास पोर्ट ही नहीं है आपके पास पोर्ट ही नहीं है तो अब आप अब आप एक पोर्ट के लिए पूरा का पूरा एक नया डिवाइस नेटवर्क में डिप्लॉय कर रहे हो तो फिक्स पोर्ट का राउटर का मतलब क्या होता है ऐसा राउटर जिस पे पोर्ट सारे के सारे क्या होते हैं है। उन पे आप पोर्ट एक्सटेंड नहीं कर सकते उसकी कैपेबिलिटी क्या होता है, आप अफ... कोई है नहीं? फिक्स का मतलब कि उसी एरिया में यूज होगा सिर्फ मैंने कहा उनपे जो पोर्ट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं जैसे आपका लैपटॉप है ना आपके पास आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो ना जी आपके लैपटॉप में पावर पोर्ट है लैंड पोर्ट yes. होगा आपके पास तो आपके yes. पास चार लैंड पोर्ट खरीदने का ऑप्शन है क्या आप लगा सकते हैं लैपटॉप में? आ, सर इसमें सिर्फ एक यूएसबी पोर्ट पोर्ट। है बस और कुछ और चार्जिंग यस yes. अगर आपके yes. पास एक है, आपके चार और क्या आप लैपटॉप में लगा सकते हो मैंने आपसे सर एक्सटर्नल नहीं बोला आपसे मैंने कहा सर नहीं लगा सकते ना तो आपका लैपटॉप फिक्स, फिक्स है जैसे आपके घर पे लगा हुआ मॉडर्म छोटा सा जी जी उसमें भी पोर्ट सारे के सारे क्या होते हैं फिक्स होते हैं फिक्स जी जी ठीक है इंटरफेस चाहिए डेटा इंटरफेस तो मैं मैं खरीद सकता हूँ लेकिन मैं लगा नहीं सकता मॉड्यूल तो ओके। ऐसे राउटर जिनमें पोर्ट एक्सटेंड नहीं कर सकते उनको हम फिक्स, फिक्स कहते हैं। ओके सर। ओके मॉड्यूलर राउटर क्या आपका मॉड्यूलर राउटर ऐसा राउटर जिनमें हम पोर्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मॉड्यूलर राउटर का यह आपका एग्जांपल है अच्छा खासा मॉडल राउटर आपका हंड्रेड सीरीज का राउटर है सीरीज का ये राउटर आपको दिख रहा होगा और ये पावर पोर्ट है ये ऑन ऑफ बटन है ये आपका इथरनेट पोर्ट एक से आप लैन अपना कनेक्ट कर लो यहाँ से एक स्विच लगा लो और कंप्यूटर्स आप अटैच कर लो और ये दूसरा पोर्शन आपने आईएसपी कनेक्शन इससे कनेक्ट कर लिया एक आपको कंसोल पोर्ट मिल रहा है यहाँ पे ये कंसोल पोर्ट आपने डिवाइस को एक्सेस करने के लिए यूज किया उसके लिए कंसोल केबल आती है और अगर कंसोल पोर्ट से आप यूज नहीं करना चाहते तो आप ऑक्सिली पोर्ट भी यूज कर सकते हो तो ये पोर्ट आपके पास है बट आपको लगता है कुछ कुछ और आपको पोर्ट एक्सटेंड करने हैं तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल लगाने का ऑप्शन मिल रहा है ये आप मार्केट से का कार्ड जो है परचेज कर सकते हो बाई कर सकते हो और उस कार्ड को यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो तो मॉड्यूलर राउटर क्या होता है आपका ऐसा राउटर जिसपे आप पोर्ट एक्सटेंड कर सकते हो उसकी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड कर सकते हो क्लियर है एवरी मेजर डिफरेंस राउटर ऑन राउटर वी है इंटरफेस ऑन स्विचेस यू कैन गेट ट्वेंटी राउटर पे आपको मैक्सिमम मिलेंगे ना दो मैं बहुत ज्यादा होगा तो चार उससे डेटा इंटरफेस आपको नहीं मिलेंगे ओके okay? आप, आपने क्या किया इस राउट इस इंटरफेस से आपने एक स्विच कनेक्ट किया इस स्विच से आपने दो और स्विच कनेक्ट कर लिए yeah. सॉरी ट्राफिक आपके यहाँ पे आके हिट कर रही है तो राउटर पे लिमिटेड पोर्ट नंबर होते हैं लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं. दो मैक्सिमम चार उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको बट स्विच पे आपको फोर्टी एट पोर्ट ट्वेंटी फोर पोर्ट एंड पोर्ट का स्विच आपको मिल सकता है क्लियर यस। कोई क्वेश्चन है किसी का अब बात कर रहे हैं राउटर्स के पोर्ट्स के मान लो मेरे पास एक राउटर है मुझे ये क्लियर हुआ कि वो एक मॉड्यूलर राउटर है उस राउटर पे बहुत सारे इंटरफेसेस है अब कौन सी इंटरफेस का वर्क क्या है अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर लो अभी मैंने बताया कि आपका ये पावर पावर केबल के लिए हो गया ये ऑन ऑफ बटन हो गया स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना होता अगर आप स्विच को देखोगे कोई भी स्विच आप ले लो स्विच आपकी क्या होती है प्लग इन प्ले डिवाइस होती है आपने आपने नेटवर्क में उसे अटैच किया और यूज करना स्टार्ट किया मैंने इसको स्विच लिखा थ्री फाइव जीरो जीरो ये आपका मल्टी लेयर स्विच ये आपका मल्टी लेयर स्विच इस पर आपके ढेर सारे इंटरफ़ेसेस हैं ये आपके लैंड कंप्यूटर्स आप इससे अटैच कर सकते हो और इस स्विच को अगर दूसरे स्विच से कनेक्ट करना हो तो आपके पास और भी पोर्ट्स एक्सटेंड ऑप्शन आपके पास हैं ना, अब आते हैं यहाँ पे आपका मॉडल राउटर इस पे आपके इंटरफेसेस कौन कौन से हैं डेटा इंटरफेस लैंड और वैन कंसोल पोर्ट से मैंने कहा कि आप कंसोल केबल आपको चाहिए कंसोल केबल कैसी दिखती है ये भी देख लेते हैं ठीक है वेट कंसोल केबल कुछ आपको ऐसी दिखेगी ये आपकी कंसोल केबल है अब इसका ये जो पोर्शन है आपका वेट ये जो पोर्शन है आपका ये आपका डेस्कटॉप में लग जाता है और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये आप राउटर पे लगा देते हो राउटर के कंसोल पोर्ट में आप उसे यहाँ लगा सकते हो लेकिन ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है कंसोल पोर्ट का ये जो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आप आपको डेस्कटॉप में नहीं मिलता है डी बी नाइन इसे कहते हैं टी बी नाइन नहीं मिलता आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या लैपटॉप में देखो कभी आपने ऐसा कुछ पोर्ट देखा है नाइन पिन का एवरीवन अब, no, no. 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 अब आपको मिलता है यूएसबी पोर्ट नो अब आपको मिलता है यूएसबी पोर्ट तो आप क्या करते हो सीरियल टू यूएसबी एक कन्वर्टर भी आपको बाई करना होता है तो आपने क्या किया ये जो पोर्शन है ये आपने अटैच किया इसके साथ ये आपकी राउटर के कंसोल पोर्ट पे जाके लग गई और ये आपके लैपटॉप के यूएसबी में लगा हुआ है इट क्लियर है कनेक्शन कंसोल का नाउ yes. yes. अब आते हैं ये आपका राउटर डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आप राउटर यूज करते हो मैं राउटर यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर क्योंकि ये ये different network है अभी आपस में communication नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको इन दोनों मशीन के बीच में एक लगाना होगा अब आते हैं next device की जिसका नाम क्या है है क्या होता है? Firewall के बारे में किसी को कुछ भी आइडिया है कुछ कुछ... होता है ना सिक्योरिटी डिवाइस और कुछ भी आइडिया है Firewall के बारे में

सो so, बहुत सारे वेंडर्स हैं राउटर और स्विच के लिए वैसे ही अगर आप फायरवॉल फायरवॉल नेटवर्क में डिप्लॉय कर रहे हो फायरवॉल नेटवर्क में डिप्लॉय कर रहे हो तो फायरवॉल के लिए भी बहुत सारे वेंडर्स हैं जैसे अभी जो आप पढ़ रहे हो सिस्को तो सिस्को के भी सिस्को क्या है फायरवॉल आपका बनाते हैं सिस्को के फायरवॉल को आप क्या बोलते हो सिस्को ए एस सी और सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस उसको आप क्या बोलते हो सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस

और फावल के लिए मार्केट में वेंडर्स क्या हैं बहुत सारे वेंडर्स हैं जैसे से सिसको बताया मार्केट में टॉप वेंडर कौन सा है पॉलो वल्टो आपको आगे मिलेगा कभी आप पढ़ोगे तो फोर्टीन एट टॉप वेंडर है चेक पॉइंट टॉप वेंडर है आपका सिस्को अभी आप देख रहे हो सिस्को। तो ये सारे टॉप वेंडर वैसे जीन ऊपर कभी फावल आता है ओके और आपको फोर्स पॉइंट मिल जाएगा तो मल्टीपल ऑप्शन है फाबुल के लिए अब फारबल फाबुल के लिए आप ये क्लियर करो फाबुल दो टाइप के होते हैं एक होता है आपका सेकेंड जनरेशन फारबोल सेकेंड जनरेशन फारब और दूसरा होता है क्या नेक्स्ट जनरेशन फारबॉल सेकेंड जनरेशन फावुल क्या करता है ये आपका ट्रैफिक फिल्टर कर सकता है बेस्ड ऑन एल थ्री एंड एल फोर एल थ्री का मतलब इसे कहते हैं आईपी और एल फोर का मतलब ये प्रोटोकॉल या सर्विस के भी आप पे फिल्टर कर सकता है तो ये दो इंफॉर्मेशन चेक करेगा आई और पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल्स को चेक करेगा और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा जो भी आपने बोला है आपने बोला इसको ब्लॉक करो तो वो ब्लॉक करेगा आपने बोला अलाउ अलाउ करेगा बट अब अभ, अभी मार्केट में क्या चलता है मार्केट में चलता है आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है कि नेटवर्क के अंदर कोई भी फेसबुक एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता नेटवर्क के अंदर कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है और वो फाइल इन्फेक्टेड है विद सम मेलिसियस कोड इन्फेक्टेड है विद वायरस तो ये आपका वो उसको स्टॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है नेक्स्ट जनरेशन पावर डिवाइस की यस करण सर like in the companies uh, we notice like uh, people use uh, the firewalls. Mm -hmm. what about the dark trace this also filters data or just sorry a dark, sorry? Uh, dark trace Do dockers no dark trace dark trace it's like a, uh, a platform where you can uh, filter the data.

नाउ अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर आपको एप्लीकेशन ब्लॉक करना है आपका नेक्स्ट जनरेशन फारवल कर सकता है आपको किसी मेलिस यू को ब्लॉक करना है ये यू आपका मेलिसस है ब्लॉक करना है या आपको कोई वायरस इंफेक्टेड फाइल है उसको ब्लॉक करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए नेक्स्ट जनरेशन फारवर्ड तो फारवल दो टाइप के होते हैं सेकेंड जनरेशन फारवल और नेक्स्ट जनरेशन फारवर्ड अब फारवल होता है क्या अगर आपके नेटवर्क में कोई फारवल है तो होता क्या है फायरवॉल आपका एकदम एक राउटर एक की तरह है फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर जैसे आप राउटर पे क्या करते हो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हो नेट आप करोगे सी ट्रेनिंग के अंदर वीपीएन कभी आप सी पी करोगे तो वीपीएन भी स्टडी करोगे मैंने कहा राउटर पे आप राउटिंग नेट और वीपीएन करते हो ये सारे टास्क आप फायरवॉल डिवाइस पे कर सकते हो ये सारे टास्क राउटिंग नेट और वीपीएन ये सारे टास्क आप फायरवॉल डिवाइस पे कर सकते हो तो फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर ये ध्यान रखना है राउटर बट फायरवॉल में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो राउटर आपको प्रोवाइड नहीं करता कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया एप्लीकेशन डिटेक्ट कर सकता है वायरस डिटेक्ट कर सकता है मेलेस लिंक को डिटेक्ट कर सकता है फायरवॉल क्लियर है एक ब्रेक ले हम लोग पांच मिनट का फिर कंटिन्यू करें सेवन okay. पीएम okay. पे कंटिन्यू करते हैं ठीक है आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए एवरी वन कैन मी करण किशन विजय अंजन ओके नाउ सो जब आप फावल डिप्लॉय करते हो नेटवर्क के अंदर फावल पे हम तीन टर्म्स सुनते हैं ठीक है यस फावल पे हमारे पास तीन टर्म्स आता है जिसे कहते हैं लैंड जोन वैन नेटवर्क एंड डीएमजेट नेटवर्क जब भी आप फावल पे काम करते हो ये वर्ड आपको सिंधु के मिलेगा तो लैंड का मतलब क्या होता है आपका का मतलब होता है आपका प्राइवेट नेटवर्क आपका प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप क्या बोलते हो लैन जिसमें आप अपने कंप्यूटर रखते हो सर्वर रखते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर रखते हो तो प्रिंटर्स रखते हो वो आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया अब दूसरा पोर्शन वैन इसके भी इसको भी आप जानते होंगे वैन का मतलब क्या होता है आपका पब्लिक नेटवर्क या आप इसको आईएसपी पोर्शन कहते हो आई साइड नेटवर्क तो लैन और वैन तो क्लियर है बट डीएमजेट किस काम में आता है कभी सुना है किसी ने नो ओके सो आपके पास डीएमजेट का पोर्शन है नहीं आप सिर्फ लैंड और वैन को जानते हो ठीक है हम बात करते हैं सिनारियो की अब मेरे पास एक फार्मोल्ड डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है और इस फार्मोल्ड डिवाइस से हमारा लैंड कनेक्टेड है ये पोर्शन क्या है लैंड तो लैंड के साइड में लैंड जो नेटवर्क आपने बनाया है उस नेटवर्क के साइड में आपने सर्वर्स रखे हुए हैं ये सब क्या है सर्वर्स है ये वेब सर्वर आपका ये डी एन एस सर्वर ये एस एम टी पी सर्वर ये FTP सर्वर वेब सर्वर एस एम टी पी डीएनएस एफ टी पी सर्वर और यस कंपनी के जो कुछ, कुछ कंप्यूटर्स हैं वो आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर्स आपके लगे हुए हैं और कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स भी यहाँ पे रखे हैं तो लैंड के अंदर आपने सारा डिवाइस लगा दिया अब जो दूसरा पोर्शन है आपका वैन पोर्शन ये ये आपका वैन पोर्शन आई एस पी पोर्शन पब्लिक नेटवर्क जिसको आप पब्लिक नेटवर्क या वैन पोर्शन कहते हैं अब इस सिनेरियो में आपको ट्रैफिक अगर अलाउ करना हो आउटसाइड से सिंपल सी बात है इस नेटवर्क में ट्रैफिक बाहर से आएगी ट्रैफिक जो है वो बाहर से आ सकती है तो मैंने ट्रैफिक को बाहर से अलाउ करने के लिए यहाँ पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर लिया इस डिवाइस पे पॉलिसी पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये हमारा टास्क नहीं है ठीक है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जैसे आप सिसको पे सिस्को के फागुल पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बनाते हो अगर आप फोर्टी पे काम करते हैं तो वहाँ पे फागुल पॉलिसी बनाते होलो वल्टो पे आप बनाते हो सिक्योरिटी पॉलिसी पॉइंट ये है कि आपने पॉलिसी कन्फिगर किया और पॉलिसी में आपने बताया कि आउटसाइड ये जो मशीन है यस yes, ये कम्युनिकेशन कर सकता है इनसाइड इस वेब सर्वर से तो आपने कोई पॉलिसी रूल बनाया और आपकी पॉलिसी रूल के हिसाब से ट्रैफ़िक बाहर से आ रही है और ये आपका फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश वन ये आपका फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस तो ट्रैफिक आपकी बाहर से आ रही है और आपकी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये सिर्फ इस वेब सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकती है जिसमें आप आपने पॉलिसी में डिफाइन किया है कि ये पर्टिकुलर सोर्स आईपी अगर आ रहा है और इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी से पिंग कर रहा है या कम्युनिकेशन कर रहा है पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है ट्राफिक अलाउ है बट आप ध्यान से देखो ये ट्राफिक कहां से आ रही है आई साइड से आ रही है ये ट्राफिक किधर से आ रही है अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रही है है मेरी बात, कि so कि ये ये बाकी किसी को करने की कोशिश करे, बोलो। Everyone, ये अभी yes. से आ रही, untrusted network से आ रही? रही, तो it may be possible कि वो बाकी ट्रैफिक को कॉम्प्रोमाइज बाकी डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करे करेगी सर। yes, sir. पॉसिबल है yeah. तो यहाँ पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे आप यूज करते हो डीएमजेड का नेटवर्क तो ऐसे सर्वर्स जिनको पब्लिकली अलाउ करना है ऐसे सर्वर जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना है उनको आप लैंड नेटवर्क में नहीं रखते हो उनके लिए आपने एक सेपरेट जोन बनाया जोन आप कह सकते हो या इसको आप एक नेम दे सकते हो देखो डीएमजेड सिर्फ एक नाम है आप अपना खुद का नाम दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ एक नाम है कॉन्सेप्ट है तो मैंने एक सेपरेट डीएमजेड नेटवर्क बनाया डी मिलेट्राइज जोन आप इसे कहते हो डीएमजेड नेटवर्क और जितने भी आपके स्विचे जितने भी आपके सर्वर्स uh, हैं उनको आपने स्विच से कनेक्ट किया जैसे आपका वेब सर्वर है यहाँ पे एस एम टी पी सर्वर डीएनएस सर्वर एफ टी पी सर्वर ऐसे सर्वर जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है उन सर्वर्स को आप एक सेपरेट जोन में रखते हो एक सेपरेट नेटवर्क में रखते हो उसे आप डीएमजेड बोलते हो अब क्या होगा अब आप जब पॉलिसी कंफिगर कर रहे हो तो आप बता रहे हो कि ट्राफिक बाहर से आएगी और इस पब्लिक पे आईपी पे पब्लिक पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट करेगी अब यहाँ पे हम कंफिगर करते हैं नेट नेट ठीक है है क्या होता है? अब उसको साइड में रखो बस इतना ध्यान दो कि ट्राफिक अगर आउटसाइड से आ रही है और इस पब्लिक इंटरफेस पे हिट कर रही है तो आपकी कॉन्फिग्रेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा डीएमजे नेटवर्क के साइड में Exactly. तो आउटसाइड से कोई भी ट्रैफिक आ रही है वो आपकी डीएच में चली जाएगी यस यस मैं सर माय क्वेश्चन इज दैट नो एज यू सेड दैट इट रीबोंस टू द डीएमजी नेटवर्क बट हाउ वी विल नो दैट दैट इज अ रिलायबल सोर्स द बोथ आर व्हाट यू सेड नो व्हेन वी सेपरेट द डीएमएस जोन

Yeah. Yeah. करंट क्लियर है किशन विजय सर यस सर लेकिन एक क्वेश्चन है हाँ हाँ पूछो सर ये जो आप कह रहे हैं फायर वॉल पे आके यहाँ पर पॉलिसी लिखी होगी कि अगर ऐसी कोई चीज आए तो डी एम जेड में चला जाए हाँ, ये में में करते हैं है. हम ये हम लोग करते हैं ओके ओके जाहिद ये फावुल पे कन्फ्यूगर होता है यहाँ पे यूज करते हैं डेस्टिनेशन नेट ओ oh, नैट yes, सर ठीक है हर okay. फावल के okay. लिए कॉन्सेप्ट हम कंफ्यू करते हैं डेस्टिनेशन नेट कभी आप हाँ फावुल स्टडी करोगे मेरे से मैं आपको बताऊंगा ओके okay, अभी सिर्फ okay. आप लोग कॉन्सेप्ट समझो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि DMZ को आपसे पूछ सकता है क्योंकि बेसिक सी के क्वेश्चन में कोई आपसे पूछ सकता है कि फावल को एक्सप्लेन करो सिर्फ फावुल बता दो क्या है

वो अपना जो लैंड पोर्शन है वो तो सिक्योर रखना है ना अब आपके लैंड यूजर बाहर जा रहे हैं तो ये तो आपका लैंड यूजर जा रहा है ना बाहर के साइड पे जा रहा है आउटसाइड कम्युनिकेशन कर रहा है फिर वो चला आ रहा है तो ट्रैफिक इधर कहां से इनिशिएट हुआ था लैंड के साइड से वैसे सिक्योर तो ये भी नहीं है करण अगर मान लो इनसाइड मशीन आपकी इन मशीन बाहर जाके किसी फाइल को डाउनलोड कर रही है और वो फाइल वायरस इन्फेक्टेड हो तो आपका नेटवर्क भी आपका नेटवर्क लैन भी सिक्योर नहीं है yeah. ठीक है करण सर तो वो फिर जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर... यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ट्रैफिक बाहर से आ रही है देखो लैन से तो यूज जाएंगे ना ट्रैफिक जो लैन मशीनें हैं वो तो बाव, वो तो आउटसाइड तो जाएंगे आउटसाइड कम्युनिकेशन तो करना करना है राइट मेरा पॉइंट पे ये है कि अगर सारे को मैं में ही रख दू सारे डिवाइसेस को प्राइवेट तो तो लैंड में रखा है आपने जी। तो ये, ये क्या एक्सेस करेगा वो तो आपने फार्मल पे डिफाइन किया हुआ लेकिन है लेकिन पॉइंट ये कि अगर ट्रैफिक बाहर से आ रही है से, अब ये तो पूरा का पूरा अनट्रस्टेड नेटवर्क है ना बड़ा सा नेटवर्क जी तो इधर की ट्रैफिक कॉम्प्रोमाइज होके आ सकती है इधर की ट्रैफिक कॉम्प्रोमाइज होके आपके लैंड में घुस सकती है तो आपने सीधे बोला है कि ट्रैफिक कोई भी अगर आउटसाइड से आके इस वैन इंटरफेस पे हिट करेगी उसको लैंड में भेजना ही नहीं है किधर भेजना है उसको डीएमजेड के साइड में क्लियर किसी आउटसाइड पर्सन को अगर एफ टीपी फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी है तो डीएमडेड साइड में जाएगा आपका एफ सर्वर है फॉर एग्जाम्पल क्लियर यस सर किशन कोई क्वेश्चन है आपका विजय नो नो ओके नो तो ये आपका फावुल अब एक एक पॉइंट और क्लियर करो आप अपनी फारवर्ड डिवाइस को दो मोड में यूज करते हो या तो आप फावल को यूज कर सकते हो एज एल थ्री फावर्ड डिवाइस या आप उसे यूज करते हो एज लेयर टू फॉरवर्ड डिवाइस फावल बॉक्स को दो मोड में यूज करते हो एल थ्री फावल या एल टू मतलब राउटिंग के फीचर्स जो राउटर के फीचर होते हैं ना आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो लेयर थ्री फावल बॉक्स में इसलिए अगर आपको राउटर पे काम करना आता है तो इसका मतलब आप फावल पे भी काम कर सकते हो ठीक है जैसे मेरे पास एक फावल डिवाइस है एक फावल डिवाइस है और ये फावल मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर तो ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं जिनको आपने लैन वैन और डीएमडेड से कनेक्ट किया हुआ है इन एंटरफेस पे आप आई एड्रेस कॉन्फिगर कर सकते हो इस पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग कर सकते हो जो राउटर पे कॉन्फिगर करते हैं नेट कर सकते हो वो भी राउटर पे कॉन्फिगर करते हैं वीपीएन कर सकते हो वो भी राउटर पे कॉन्फिगर करते हैं अगर आपका डिवाइस किस मोड में बैठा हुआ है लेयर थ्री मोड में तो राउटिंग के सारे फीचर आप यूज करो और हाँ ये फागोल डिवाइस है तो फागोल के फीचर भी यूटिलाइज कर लो आप बट अगर ये आप यूज कर रहे हो, 2 firewall, या क्या बोलते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को आप यूज कर रहे हो 2 firewall, इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो ये आपके एल टू इंटरफेस है जैसे स्विच का पोर्ट होता है ना स्विच के इंटरफेस पे आप आईपीडस कॉन्फिगेशन नहीं कर सकते yeah. तो ये जो इंटरफ़ेसेस आपके एल टू इंटरफेस एल टू इंटरफेस का मतलब आप इन पे आईपेड कॉन्फिगेशन नहीं कर सकते इस पूरे डिवाइस पे राउटिंग नहीं कर सकते नेट नहीं कर सकते वीपीएन नहीं कर सकते लिमिटेशन है लेयर टू फायरवॉल के साथ लिमिटेशन है बट ये पूरा फॉरवर्ड डिवाइस है तो के फीचर्स आप यूटिलाइज कर सकते। क्लियर है मेरी बात फायरवॉल को यूज करने का दो मोड है एल थ्री फारोल एंड लेयर टू फायरवॉल आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फारॉरी हाउ वी कैन रिकॉगनाइज अर वॉल वो आप फाइव पे जब ब्लॉगिंग करते हो ना तो आप वहां पर मोड चेक करते हो कर कर